this is all about your special laws, and that's it. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. कंटिन्यूटी में रहो, अपने नोट्स पे आ जाइए और हेडिंग करना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. अपने नोट्स पे आ जाइए और हेडिंग करिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं. देखो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजीज पढ़ने को हैं, राइट? आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को हम कवर नहीं करेंगे. सर्टेनली हम कवर करेंगे, है ना? लेकिन फिलहाल वी आर गोइंग टू स्टार्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. तो क्या उनके लिए पेजेस ब्लैंक छोड़ने हैं? सर, बिल्कुल मत छोड़ो. कंटिन्यूटी में आइए और हेडिंग करना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. जब हमें वो देखना होगा तो हम देख लेंगे, राइट? नाउ देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज व्हाट यू हैव टू स्टडी. जैसे ये आपको ये टॉपिक जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में छोटे छोटे इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट्स को आपको कवर करना है. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका वर्चुअलाइजेशन. सो वर्चुअलाइजेशन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट. देन वी हैव द ग्रिड कंप्यूटिंग, देन वी हैव द क्लाउड कंप्यूटिंग, देन वी हैव द ग्रीन कंप्यूटिंग. तो वर्चुअलाइजेशन है, यू नो, ग्रिड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ग्रीन कंप्यूटिंग है. इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हमें पढ़ने हैं. जैसे एक होता है ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, जिसको बॉयड कहते हैं. बॉयड के अलावा आपको IoT पढ़ना है, जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है. IoT के अलावा आपको मशीन लर्निंग पढ़ना है. मशीन लर्निंग के साथ साथ आपको वेब 3.0, 4.0, 5.0 का भी इंट्रोडक्शन है. तो आपको वेब के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेना है, और साथ ही साथ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है. सो दीज आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स व्हाट यू हैव टू स्टडी. सबके सब इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं. वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड एंड क्लाउड, ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं. बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें कुछ खास करने के लिए आपके पास नहीं है सिवाय डेफिनेशंस देखने के. सिर्फ डेफिनेशंस मेंशन्ड है, बट वर्चुअलाइजेशन को थोड़ा डिटेल में कवर किया गया है. ये थोड़ा टेक्निकल है. और आप जब बात करते हैं ग्रिड की तो ग्रिड टेक्निकल है. क्लाउड की बात करोगे तो क्लाउड को आपको डिटेल में समझना होगा. ये तीन टॉपिक आपके मेजर टॉपिक्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू कवर इज द वर्चुअलाइजेशन. सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. तो जैसे हमने कहा कि सबसे पहले सर हम देखेंगे किसको, वर्चुअलाइजेशन को. वर्चुअलाइजेशन के अलावा हमारे पास है ग्रिड कंप्यूटिंग. वर्चुअलाइजेशन के बाद हमारे पास है ग्रिड कंप्यूटिंग. ग्रिड कंप्यूटिंग के अलावा हमारे पास है क्लाउड कंप्यूटिंग. यू हैव टू सी द क्लाउड कंप्यूटिंग एज वेल. क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद है आपके पास ग्रीन कंप्यूटिंग. तो ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग. देन यू हैव द बॉयड, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस. बॉयड स्टैंड्स फॉर ब्रिंग योर ओन डिवाइस. वॉइड के बाद है आपके पास सिक्स IoT. IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स. फिर आपके पास है वेब 3.0, और 3.0 के अंदर ही आपको 4.0 और 5.0 का इंट्रोडक्शन है, तो वो आपको देख लेना है. एट जो है आपका, दैट इज योर मशीन लर्निंग. And ninth is your artificial intelligence. तो ये major concepts हैं जो आपको यहां cover करना होगा under the heading of emerging technology. Virtualization है, grid computing है, cloud computing है, green computing है, void है, IoT है, web है, machine learning, artificial intelligence. इसमें देखो, artificial intelligence, machine learning, web, IoT में उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस डाल दिए, बट कॉन्सेप्ट में दम नहीं है. कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुरंत आप कवर कर लोगे. वॉइड आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. ग्रीन कंप्यूटिंग में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. ये तीन चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, है ना? ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जिसमें बहुत सारा कवरेज कर दिया है इन्होंने. तो हमें क्या करना है, इन तीन को खास करके ध्यान रखना है, है ना? और बाकी जो है बहुत आसान से टॉपिक है, उसको आप तुरंत समझ लोगे. मैं सारे समझाऊंगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से. द फर्स्ट वन इज योर वर्चुअलाइजेशन. फर्स्ट वन इज योर वर्चुअलाइजेशन. ठीक है, समझा जाए कॉन्सेप्ट को, वर्चुअलाइजेशन को. आपको याद होगा मैंने कभी आपको एक बात बताई थी कि जब आप किसी भी टर्म के आगे TION लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो प्रोसेस बन जाता है. तो वर्चुअलाइजेशन में दो चीजें हैं जिसको आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक तो ये वर्चुअल है,
समथिंग विच इज वर्चुअल, और आप जानते हैं इफ समथिंग इज वर्चुअल देन इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. इसका मतलब है कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. और लास्ट में हम लगा रहे हैं TION, तो इसका मतलब एक बात पक्का है कि ये वर्चुअल है और ये वर्चुअल क्रिएट करने का प्रोसेस है, इसीलिए इसको वर्चुअलाइजेशन कहा गया. मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसके मदद से हम कुछ वर्चुअल क्रिएट करने वाले हैं, राइट? एग्जैक्टली यही मतलब होता है इसका, इसीलिए इसको कहा गया वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट जिसका इस्तेमाल आप क्लाउड में भी करोगे लार्ज स्केल पे, और वर्चुअलाइजेशन से आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा. आज से पहले बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपने ऐसी पढ़ी थी जिसमें वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल होता है. ये होता क्या है? सो वी सिंपली से हियर, एकदम कंसंट्रेट रहना अब आप लोग, क्योंकि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसी से पूरी थ्योरी निकल के आएगी. आपको थ्योरी के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी. वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं सर पहला टर्म इसमें जो हमारे को आइडेंटिफाई हो रहा है दैट इज वर्चुअल. और वर्चुअल का मतलब हम जानते हैं कि जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. अगर कुछ वर्चुअल है तो इसका मतलब इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. सो नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. इट इज वर्चुअल, इट मींस देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ इट. एंड वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस. वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसकी मदद से ये क्रिएट किया जाता है. तो जरा देखो क्या होता है. अगर हम फिजिकल से वर्चुअल पार्ट को सेपरेट करते हैं किसी भी रिसोर्स का, मान लो अगर मेरे पास किसी भी तरह का हार्डवेयर है और उस हार्डवेयर के फिजिकल एंड लॉजिकल को अगर हम सेपरेट करते हैं, वर्चुअल को सेपरेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वर्चुअलाइजेशन. तो आप कहते हैं वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट कर देना, अलग अलग कर देना फिजिकल एंड लॉजिकल पार्ट को. अब ये कैसे होता है, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. इस बात को हमें समझना होगा कि वर्चुअलाइजेशन हम करते कैसे हैं, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नोट सेक्शन. हम एक नोट सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें आप वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को क्या करोगे, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ध्यान दीजिएगा, हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो सपोज वी हैव अ कंप्यूटर सिस्टम, वी हैव सम हार्डवेयर. हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है. तो अगर मेरा ये हार्डवेयर है तो इसका मतलब ये हो गया फिजिकल फॉर्म. ये क्या हो गया, फिजिकल फॉर्म हो गया. क्यों फिजिकल फॉर्म हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं सर ये हार्डवेयर है, मतलब ये विजिबल है, इट कैन बी टच्ड, इट कैन बी सीन. तो ये हार्डवेयर है, तो हम क्या करते हैं किसी मैकेनिज्म के तहत हम इसका वर्चुअल फॉर्म क्रिएट करते हैं. किसी मैकेनिज्म के तहत हम क्या करते हैं, इसका वर्चुअल फॉर्म क्रिएट करते हैं. तो यहां क्या हुआ, एक वर्चुअल फॉर्म क्रिएट हो गया सेम हार्डवेयर का. सेम हार्डवेयर का क्या हो गया, एक वर्चुअल फॉर्म क्रिएट हो गया. तो ये जो हार्डवेयर है ये मेरा क्या हो गया, एक वर्चुअल हार्डवेयर क्रिएट हो गया, वर्चुअल फॉर्म क्रिएट हो गया. तो हमने क्या किया, फिजिकल फॉर्म को उसके वर्चुअल फॉर्म से एब्स्ट्रैक्ट कर दिया. हमने क्या किया, फिजिकल फॉर्म को उसके वर्चुअल फॉर्म से एब्स्ट्रैक्ट कर दिया. फिजिकल फॉर्म को उसके वर्चुअल फॉर्म से एब्स्ट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन. हमने क्या कहा, कोई तरीका होगा करने का. क्या तरीका होगा करने का, ग्रेजुअली आप सीखोगे. तो आप क्या कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट आपने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल फॉर्म. फिजिकल फॉर्म का एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम किससे, फ्रॉम इट्स वर्चुअल फॉर्म. फिजिकल फॉर्म का एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम इट्स वर्चुअल फॉर्म. तो फिजिकल एंड वर्चुअल दोनों को सेपरेट कर दिया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस तरह का कुछ देखना है तो आप अपने लैपटॉप को देखो, आप अपने सिस्टम को देखो, आप अपने कंप्यूटर को देखो. सपोज यू हैव अ लैपटॉप हियर, और लेट्स से आपके लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क है, आपके लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क है. तो आपके लैपटॉप में एक ही हार्ड डिस्क होता है ना, हम कहते हैं हाँ हमारे लैपटॉप में एक ही हार्ड डिस्क होता है, एक ही स्टोरेज है आपके पास. अब लेकिन जब आप अपने सिस्टम को ओपन करते हैं, व्हेन यू क्लिक द माई कंप्यूटर, आप देखते हैं दे आर सर्टेन ड्राइव्स विद यू. आपके पास क्या है, कुछ ड्राइव्स हैं. तो हम कहते हैं हार्ड डिस्क एक है मेरे पास, लेकिन जब मेरे को डेटा स्टोर करना होता है तो मेरे पास कुछ ड्राइव्स हैं. जैसे हम कहते हैं इन द नेम ऑफ सी ड्राइव, हमारे पास सी ड्राइव है, मान लो हमारे पास ई ड्राइव्स है, डी ड्राइव्स हैं, इस तरह से हमारे पास क्या है, वी हैव सर्टेन ड्राइव्स, है ना. अब क्या है कि सवाल क्या आना चाहिए दिमाग में, कि अगर मेरे पास एक ही हार्ड डिस्क था तो एक ही हार्ड डिस्क अगर मैंने लगा रखा है तो मेरे को तीन ड्राइव कैसे दिख रहा है मेरे कंप्यूटर में. अगर एक हार्ड डिस्क है तो एक ही ड्राइव दिखना चाहिए ना. तो क्या सी डी और ई नाम का कोई हार्डवेयर लगाया था हमने,
अब तो आप बहुत कुछ जानते हो कंप्यूटर के बारे में, आप क्या बोलोगे? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हमने सी डी और ई ड्राइव का नाम का कोई हार्डवेयर लगाया हो, कोई स्टोरेज डिवाइस लगाया हो, हमने तो सिर्फ हार्ड डिस्क लगाया था। तो क्या होता है बेसिकली, ये हार्ड डिस्क क्या है, मेरा फिजिकल फॉर्म है, हार्ड डिस्क क्या है, फिजिकल फॉर्म है, और इसको हम क्या करते हैं, तीन लॉजिकल ड्राइव्स में बांट देते हैं। तो वी सिंपली डिवाइड इट इनटू थ्री लॉजिकल ड्राइव्स। ये जो सी ड्राइव है, ये जो डी ड्राइव है और ये जो ई ड्राइव है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये फिजिकल ड्राइव्स नहीं है। ये कैसे ड्राइव्स है? ये लॉजिकल ड्राइव्स है, दीज ऑल आर लॉजिकल ड्राइव्स। और अगर ये लॉजिकल ड्राइव्स हैं, इसका मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो बताओ ये कौन सा फॉर्म है? तो आप कहते हैं सर ये वर्चुअल फॉर्म है। ये किस तरह का फॉर्म है? ये वर्चुअल फॉर्म है। तो देखो आपने फिजिकल फॉर्म को वर्चुअल फॉर्म से क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन। इसी प्रोसेस को वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो आपने कहा कि सर हमने पार्टीशन कर दिया हार्ड डिस्क का, एक ही हार्ड डिस्क था मेरा और एक हार्ड डिस्क का पार्टीशन करके हमने क्या कर दिया, तीन लॉजिकल ड्राइव्स क्रिएट कर दिए, राइट? लेकिन आप जरा एक बात बताओ मेरे को, क्या ये लॉजिकल ड्राइव, जैसे हम कहते हैं दिस पीसी, ये लो, अगर मैंने आपको, अगर हमने इसको ओपन किया तो देखो क्या है हमारे पास, वी हैव द सी ड्राइव, वी हैव द डी ड्राइव, वी हैव द ई ड्राइव, एफ एंड एक यूएसबी लगा हुआ है, राइट? तो देखो जरा आपके पास कितने ड्राइव है, चार ड्राइव है, है ना, यहाँ चार ड्राइव। तो अब ये चार ड्राइव क्या है, ये तो लॉजिकल ड्राइव है, ये क्या है, ये लॉजिकल ड्राइव्स है। लेकिन वेन एवर यू हैव टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, जब भी आपको डेटा स्टोर करना होता है कंप्यूटर में, आप हार्ड डिस्क में डायरेक्टली जाके तो स्टोर नहीं करते, आप डेटा कहां डालते हैं, लॉजिकल ड्राइव में डालते हैं। लेकिन इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, तो सी नाम का कोई हार्डवेयर नहीं है, तो मैंने अगर सी ड्राइव में डेटा डाला तो डेटा गया कहां, डी ड्राइव में डेटा डाला तो डेटा गया कहां? तो आप क्या कहते हैं कि सर होगा क्या, बेसिकली वेन एवर यू आर स्टोरिंग डेटा इन सी ड्राइव, अगर मान लो आपने सी ड्राइव में डेटा डाला, उस कंडीशन में अगर आपने यहां डेटा को स्टोर किया, उस कंडीशन में आपका डेटा अल्टीमेटली कहां जाके स्टोर होगा? अगर आपने यहां डेटा को स्टोर किया तो आपका डेटा अल्टीमेटली कहां जाके स्टोर होगा? उसी हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होगा, क्योंकि यही है फिजिकल फॉर्म, और फिजिकल फॉर्म पे ही सारे प्रोसेसिंग को परफॉर्म किया जा सकता है, लॉजिकल फॉर्म पे प्रोसेसिंग को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो आपने जैसे ही सी ड्राइव में डेटा डाला, उस क्या करेगा, हार्ड डिस्क उस पार्टीशन में जाके स्टोर हो जाएगा जिस पार्टीशन को सी डिक्लेयर किया गया है। अगर आपने डी में डेटा डाला तो वो भी हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होगा, अगर आपने ई में डेटा डाला वो भी हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होगा। इसका मतलब हमने क्या किया है, हमने हार्ड डिस्क का पार्टीशन करके रखा हुआ है, हमने हार्ड डिस्क का क्या करके रखा हुआ है, पार्टीशन करके रखा हुआ है तीन लॉजिकल ड्राइव्स में, जिसको हम कहते हैं सी डी ई। दिस द ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ व्हाट, वर्चुअलाइजेशन। क्लियर है? क्या बोलोगे, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? आप कहते हैं वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल फॉर्म फ्रॉम इट्स वर्चुअल फॉर्म। तो फिजिकल फॉर्म को वर्चुअल फॉर्म से सेपरेट करने के प्रोसेस को हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हमारे पास एक हार्ड डिस्क होता है, लेकिन उस एक हार्ड डिस्क से हम पार्टीशन करके क्या करते हैं, मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स क्रिएट कर देते हैं। जब कभी भी हम लॉजिकल ड्राइव में डेटा डालते हैं, दैट डेटा अल्टीमेटली गोज टू द हार्ड डिस्क, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो फिजिकल फॉर्म पे ही होनी है, लॉजिकल फॉर्म पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, है ना? सो लेकिन सेपरेशन तो हो रहा है, हमने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप वर्चुअलाइजेशन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, वर्चुअलाइजेशन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप कहोगे वर्चुअलाइजेशन का कोर कॉन्सेप्ट है पार्टीशनिंग। वर्चुअलाइजेशन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, पार्टीशनिंग। तो अगर हमसे ये पूछा जाए व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, तो हमेशा याद रखना वर्चुअलाइजेशन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, पार्टीशनिंग है। तो पार्टीशनिंग इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। पार्टीशनिंग के आधार पर ही बेसिकली क्या किया जाता है, वर्चुअलाइजेशन किया जाता है, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में हम करते क्या है, रिसोर्स की पार्टीशनिंग करते हैं, और रिसोर्स की पार्टीशनिंग करने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, वर्चुअल फॉर्म क्रिएट हो जाता है, और जिस वर्चुअल फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अभी हमने देखा ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारा हार्ड डिस्क तीन लॉजिकल ड्राइव में क्या है, बटा हुआ है। अब हाउ यू विल डू इट, हमने कहा चलो सर ये तो समझ में आ गया कि पार्टीशन करना है, पार्टीशन करके लॉजिकल फॉर्म्स क्रिएट हो जाएंगे और फिजिकल लॉजिकल दोनों एब्स्ट्रैक्ट होगा, दोनों को इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है। तो हमने कहा सर ये करेंगे कैसे, तो इट्स अ सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच। ये कैसा अप्रोच है, सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है। चलो हम इसको समझते हैं ये होता कैसे है। सो वर्चुअलाइजेशन इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच। कैसा है ये, सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है। इसको करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और सॉफ्टवेयर की मदद से वर्चुअलाइजेशन किया जाता है। तो क्या बोलोगे, इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच। अब लेट्स से यू हैव अ सर्वर, आपके पास एक सर्वर है,
और जब आपके पास सर्वर है तो जाहिर सी बात है आपके पास, मान लो ये मेरा सर्वर है और ये मेरा फिजिकल सर्वर है, क्या है मेरा फिजिकल सर्वर है, तो हम देखने जा रहे हैं कि ये होगा कैसे। तो ये मेरा फिजिकल सर्वर है, दिस इज माई फिजिकल सर्वर। अगर मेरे पास मेरा फिजिकल सर्वर है तो आप जानते हैं सर्वर इज अ कंप्यूटर, सो उस कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। जैसे आप कहते हैं सर आपके पास रैम होगा, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, होगा ना। आप कहते हैं सर आपके पास स्टोरेज होगा, बोले तो हार्ड डिस्क, आपके पास क्या होगा, स्टोरेज होगा आपके सर्वर पे जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज होगा, हार्ड डिस्क होगा आपके पास। फिर आप कहते हैं सर आपके पास प्रोसेसर होगा, सीपीयू होगा ना, आप कहते हो यस, आपके पास क्या होगा, सीपीयू भी होगा, राइट। तो यू हैव रैम, यू हैव स्टोरेज, यू हैव प्रोसेसर एंड सो ऑन। इसकी इस तरह से आपके पास यू नो यू हैव लॉट ऑफ हार्डवेयर हियर जिनके मदद से आपने कंप्यूटर सिस्टम को बनाया, जो बेसिकली क्या है, आपका फिजिकल सिस्टम है, फिजिकल सर्वर है ना। अब हमें क्या करना है बेसिकली, नाउ वी हैव टू क्रिएट वर्चुअल फ्रॉम दिस फिजिकल फॉर्म, तो दैट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच। और आप जानते हैं कि अगर ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है तो इस कंप्यूटर सिस्टम को ये हार्डवेयर क्या होता है, याद करो लाइफलेस होता है। तो हमने कहा था वी विल हैव टू पुट अ सॉफ्टवेयर इन दिस, और जिस सॉफ्टवेयर के मदद से मैं इस सिस्टम को चला सकूं, तो फॉर दैट पर्पस वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने क्या किया, यहां ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल दिया, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, आपका विंडोज हो सकता है या आपका किसी और तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक कंप्लीट सिस्टम बन गया, कंप्लीट फिजिकल सिस्टम बन गया विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विद वन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये क्या हो गया, मेरा एक कंप्यूटर सिस्टम है विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विंडोज, तो हमारा विंडोज डला हुआ है और मेरा सर्वर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब टू डू वर्चुअलाइजेशन नाउ वी यूज अ सॉफ्टवेयर, हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज हाइपरवाइजर। क्या कहते हैं उसे, हाइपरवाइजर कहते हैं। सो हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिस सॉफ्टवेयर को हाइपरवाइजर कहा जाता है। अब जरा गौर करो हाइपरवाइजर में क्या होता है, जब आप हाइपरवाइजर को मार्केट से खरीदने जाओगे या जब आप हाइपरवाइजर को अप्लाई करने के लिए जाओगे, तो आप देखोगे कि हाइपरवाइजर इज जस्ट लाइक, इट इज जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होता है। क्योंकि जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर को मैनेज कर सकता है, उसी तरह से हाइपरवाइजर भी आपके हार्डवेयर को मैनेज कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर फंक्शंस को परफॉर्म करता था, याद करो, उसी हार्डवेयर फंक्शंस को परफॉर्म करता है हाइपरवाइजर भी। इसीलिए कहते हैं हाइपरवाइजर इज जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किस तरह का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होता है। जब आप हाइपरवाइजर को खरीदोगे तो दो आप कंपोनेंट होते हैं उसके, हाइपरवाइजर और फिर देन यू विल गेट द मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो वर्चुअलाइजेशन जब आप करते हैं तो उन वर्चुअलाइजेशन को आपको मैनेज भी करना होगा, जाहिर सी बात है, अपने तरीके से आप वर्चुअलाइजेशन करने की बात करोगे। सो हाइपरवाइजर प्लस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का आपको पैकेज मिलता है, जिस पैकेज से आप वर्चुअलाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि सर इट्स अ सॉफ्टवेयर, हाइपरवाइजर इज अ सॉफ्टवेयर, और हमारे पास क्या मिलता है, हाइपरवाइजर मिलता है प्लस इसके साथ क्या होते हैं, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। जनरली आप देखोगे हाइपरवाइजर आपको फ्री में मिल जाएगा, एंड फॉर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दे विल चार्ज यू हेविली। हम कहते हैं ऐसा क्यों करते हैं, वो जो वेंडर्स होते हैं, तो वेंडर कहते हैं ले जाओ हाइपरवाइजर, क्या करोगे वर्चुअलाइज करके, अगर मैनेज ही नहीं कर पाओगे तो कहते हैं हाइपरवाइजर हम आपको फ्री में दे रहे हैं ना, लेकिन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए आपको क्या करना होगा, पैसा देना होगा, राइट। सो वी हैव द हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर इज अ सॉफ्टवेयर, एंड थ्रू दिस सॉफ्टवेयर वी कैन डू द वर्चुअलाइजेशन, हम वर्चुअलाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेरा सिस्टम है, अब हमने क्या किया, इस पे हाइपरवाइजर को इंस्टॉल किया। जब हमने हाइपरवाइजर को इंस्टॉल किया तो ये आ गया मेरा हाइपरवाइजर, क्या आ गया, आप कहते हैं सर ये आ गया आपका हाइपरवाइजर, राइट। सो हाइपरवाइजर क्या करता है, इस फिजिकल सर्वर पे हाइपरवाइजर विल क्रिएट वर्चुअल बॉक्सेस। यहां क्या क्रिएट होते हैं, वर्चुअल बॉक्सेस क्रिएट होते हैं, एक वर्चुअल एनवायरमेंट क्रिएट होता है, एंड दैट वर्चुअल एनवायरमेंट इज क्रिएटेड बाय व्हाट, हाइपरवाइजर। तो मान लो यहां हमने क्या किया, तीन वर्चुअल एनवायरमेंट को यहां हाइपरवाइजर ने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। हाइपरवाइजर की मदद से हमने क्या किया, तीन वर्चुअल एनवायरमेंट को क्रिएट किया। अब इसको हम वर्चुअल बॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्चुअल बॉक्सेस। आप बोलोगे सर दीज आर कॉल्ड एज वर्चुअल बॉक्सेस, ये हमारे वर्चुअल बॉक्सेस है, और तीनों क्या है,
तीनों वर्चुअल बॉक्सेस हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है और क्या हो रहा है, जरा इस बात को सोचो। तो जो आपने पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था, यहां जो आपने पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो यहां आपने स्टोरेज पे लगाया था। आप एक काम करो, ये सब पे लगाओ, जरा गौर करो। रैम कैन बी पार्टीशन, यस। तो हम कहते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम विल बी अवेलेबल फॉर दिस वर्चुअल बॉक्स, सर्टेन अमाउंट विल बी अवेलेबल फॉर दिस वर्चुअल बॉक्स, सर्टेन अमाउंट विल बी अवेलेबल फॉर दिस वर्चुअल बॉक्स। मान लो मेरे पास अगर 6 GB का रैम है, तो 6 GB के रैम को हमने क्या किया, पार्टीशन कर दिया, तीन पार्ट में बांट दिया उसे, और हम कहते हैं कि तुम्हारे को इतना रैम मिलेगा, तुम्हारे को इतना रैम मिलेगा, तुम्हारे को इतना रैम मिलेगा। कौन कर रहा है? हाइपरवाइजर कर रहा है। मेरे पास सर्टेन स्टोरेज था, मान लो 100 GB का स्टोरेज था, तो हाइपरवाइजर ने कहा कि भाई पहला वर्चुअल बॉक्स में इतना स्टोरेज जाएगा, दूसरे में इतना जाएगा, तीसरे में इतना जाएगा। लाइकवाइज प्रोसेसर का भी क्या किया गया, प्रोसेसिंग को बांट दिया गया कि पहले में इतना जाएगा, दूसरे में इतना जाएगा, तीसरे में इतना जाएगा। इसका परिणाम क्या होता है कि ऑन अ सिंगल सर्वर यू हैव क्रिएटेड 3 वर्चुअल सर्वर। तो आपके पास 3 सर्वर बन रहे हैं, क्योंकि एक सर्वर के रिसोर्सेस को आपने क्या किया है, 3 पार्ट में बांटा है। लेकिन आप जानते हैं ये सब का सब क्या है, वर्चुअल है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये कौन कर रहा है? ये हाइपरवाइजर कर रहा है। और ये रैम का कुछ पोर्शन अवेलेबल है इसमें, और इसमें भी लाइकवाइज ऑल हार्डवेयर्स आर पार्टीशनड इनटू व्हाट, 3 डिफरेंट मशीन्स। अब जरा देखो, अब आप कहते हैं कि नाउ आई हैव टू रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए ये विंडोज था, मान लो ये क्या था, मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था। आप कहते हैं सर मेरे को लिनक्स चलाना है, तो चलाओ, सॉक से चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया, इस पे लिनक्स डाल दिया। आप कहते हैं मुझे यूनिक्स चाहिए, तो आपने इस पे क्या किया, यूनिक्स डाल दिया। आपने कहा मेरे को तीसरा में विंडोज ही चाहिए, तो आपने क्या किया, इस पे विंडोज डाल दिया। अब जरा देखो, अ कंप्यूटर विद अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी कंप्यूटर पे आप क्या कर रहे हैं, 3 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे हैं ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था, हाइपरवाइजर से पहले, हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन से पहले क्या होता था, एक सिस्टम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। बट अब आप क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम पे एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को आप आसानी से रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हाइपरवाइजर, द वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस। फर्दर वी कैन हैव द इंस्टेंसेस ऑफ OS अलोंग विद द एप्लीकेशंस एज वेल। हम क्या कर सकते हैं, इन सिस्टम्स पे डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी यहां से रन कर सकते हैं इजीली। तो हमारे क्या हो गए, ये एप्लीकेशन हो गए। लेकिन जरा देखो मजेदार बात क्या है, मजेदार बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये कैसा पोर्शन है, तो आप कहते हैं सर ये वर्चुअल फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है, ये वर्चुअल फॉर्म है। और ये जो पार्ट है ये कैसा फॉर्म है, तो आप कहते हैं सर ये फिजिकल फॉर्म है। तो बताओ हाइपरवाइजर ने क्या किया, आप कहते हैं हाइपरवाइजर ने फिजिकल फॉर्म को वर्चुअल फॉर्म से एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसी को तो कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। लेकिन आइडिया क्या है, जरा सोचो, अब हमारे पास एक मशीन पे कितने मशीन हो गए, 3 मशीन हो गए। अब इन 3 मशीन का एक्सेस हम 3 अलग अलग तरह लोगों को दे सकते हैं। मान लो देयर आर 3 यूजर्स, और एक यूजर कहता है मेरे को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एक कहता है मेरे को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एक कहता है मेरे को विंडोज चाहिए, तो हम तीनों को एक्सेस दे सकते हैं। मजेदार बात क्या है कि जब भी यूजर किसी तरह का ट्रांजैक्शन करता है, एप्लीकेशन को रन करता है, तो यूजर ने यहां इंटरैक्ट किया, आप जान सकते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से। तो यूजर ने क्या किया, वर्चुअल फॉर्म को एक्सेस किया। जैसे ही यूजर ने वर्चुअल फॉर्म को एक्सेस किया, यूजर का रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट जाएगा कहां, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और जानते हैं आप ये तो वर्चुअल फॉर्म है, यहां से रिक्वेस्ट हाइपरवाइजर पे जाएगा, और इस तरह से रिक्वेस्ट किसके पास पहुंचेगा, आपके फिजिकल डिवाइस के पास पहुंचेगा, और आपका प्रोसेसर यूजर के रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा। क्योंकि वर्चुअल फॉर्म पे तो कुछ होना है नहीं, जो भी होना है वो कहां होना है, ऑल प्रोसेसिंग आर डन एट फिजिकल फॉर्म, तो फिजिकल लेवल पे होने वाला है, वर्चुअल लेवल पे तो कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा। लेकिन हमने क्या किया, 3 मशीन क्रिएट कर दिया। अब क्या होता है जरा सोचो, 3 यूजर है एक्स वाई जेड, तो 3 यूजर 3 अलग अलग सर्वर को यूज कर रहा है, लेकिन वो तीनों सर्वर क्या है, वर्चुअल सर्वर है। और तीनों यूजर को लगता है कि ये मेरा डेडिकेटेड सर्वर है, ये मेरा क्या है, डेडिकेटेड सर्वर है, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या हो रहा है, चल रहा है। लेकिन क्या ऐसा है, तो आप वेंडर हो, आपके तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरे पास तो एक ही मशीन था जिस मशीन पे मैंने 3 वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर दिया और 3 लोगों को तीनों सर्वर का एक्सेस दे दिया। उन्हें लगता है ऐसा कि उनका सर्वर क्या है, डेडिकेटेड सर्वर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा का सारा काम कहां हो रहा है, फिजिकल फॉर्म पे जाके परफॉर्म किया जा रहा है। इसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। डन, बात आई समझ में? तो हमने क्या किया, वर्चुअल फॉर्म को फिजिकल फॉर्म से
एब्स्ट्रैक्ट कर दिया द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका फिजिकल फॉर्म किसी वजह से क्रैश कर जाए, अगर आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल सर्वर है, अगर ये किसी कारण से क्रैश हो जाए, चलना बंद कर दे, तो क्या वर्चुअल फॉर्म सस्टेन करेगा? तो क्या वर्चुअल फॉर्म सस्टेन करेगा बताओ मेरे को, तो क्या बोलोगे, हाँ या ना? जवाब क्या होगा? सर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो हम कहते सर वो तो सिर्फ वर्चुअल फॉर्म है, वो तो एक भ्रम है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने पार्टीशन किया है। हमने क्या किया है? पार्टीशन कर दिया है। यहां जितने भी हमारे पास डिवाइसेस थे, इनका पार्टीशन करके हमने वर्चुअल फॉर्म्स क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन वो वर्चुअल फॉर्म्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, वो तो पार्टीशन है। क्योंकि अगर अगर मेरा फिजिकल फॉर्म शटडाउन हुआ तो वर्चुअल फॉर्म सस्टेन ही नहीं करेगा, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा। दिस इज हाउ यू डू इट। दैट्स राइट, नहीं होगा ना? दिस इज हाउ यू डू इट। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, ठीक है? थोड़ी सी जगह है मेरे पास, मैं आपको बता सकता हूं। देखो कितना फिजिकल सर्वर, कितना फिजिकल सर्वर, एक। कितना फिजिकल सर्वर, एक था ना? कितना फिजिकल सर्वर, एक। तो मैंने कहा सर एक फिजिकल सर्वर, वन, ठीक है? एक फिजिकल सर्वर पे हाइपरवाइजर लगा के कितने वर्चुअल सर्वर में बांटा? तो आप कहते हैं सर तीन, एक दो तीन। कितने में बांटा? तो आप कहते हैं सर तीन में बांटा, तीन में बांटा ना, तो ये क्या हो गया, मेनी। क्या हो गया? मेनी। तो देखो वन टू मेनी हुआ या नहीं हुआ बताओ मेरे को, वन टू मेनी, इसको कहते हैं वन टू मेनी वर्चुअलाइजेशन। तो हमने क्या किया, एक फिजिकल को बहुत सारे वर्चुअल में डिवाइड कर दिया, इसको क्या कहते हैं, वन टू मेनी। सर क्या रिवर्स पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लो हमारे पास एक दो तीन सर्वर था, ठीक है? तो यहां क्या बोलेंगे आप? हम बोलेंगे सर ये है मेरा मेनी, है ना? इन्हें हमने क्या किया, कंबाइन किया, और कंबाइन करके वन बिग वर्चुअल सर्वर बना दिया, वन बिग वर्चुअल सर्वर बना दिया। तो बताओ ये क्या हो गया? तो आप कहते हैं सर ये वन हो गया। सो इट कैन बी वन टू मेनी एंड इट कैन बी मेनी टू वन। इसको कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। अब क्या कहते हैं सर, दोनों तरह से वर्चुअलाइजेशन हो सकता है। हम एक फिजिकल को मल्टीपल वर्चुअल में भी बदल सकते हैं और बहुत सारे फिजिकल को सिंगल वर्चुअल में भी बदल सकते हैं। सो देयर इज वन टू मेनी एज वेल एज मेनी टू वन। और भी तरीके हैं वर्चुअलाइजेशन के, और भी तरीके हैं वर्चुअलाइजेशन के, राइट? बट हमारे को, हमारे लिए काफी है वन टू मेनी एंड मेनी टू वन, ठीक है? अब जरा देखना, ये क्या था फिजिकल, ये क्या था फिजिकल, ये क्या था फिजिकल, ये क्या है फिजिकल। सो पी हो गया ना, ये क्या है वर्चुअल, है ना बालक? ये क्या है वर्चुअल, वी। इसको हम कहते हैं पी टू वी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? पी टू वी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। कहां से कहां ट्रांसफॉर्म किया हमने? हमने कहा सर फिजिकल से हमने क्या कर दिया, वर्चुअल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं पी टू वी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलोगे? फिजिकल टू वर्चुअल। एंड वर्चुअलाइजेशन में भी वन टू मेनी और मेनी टू वन, दोनों तरह से हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, वन टू मेनी भी कर सकते हैं, मेनी टू वन भी कर सकते हैं। डन। हाइपरवाइजर तो फिजिकल ही होगा। अंकित क्या बोल रहे हो, हाइपरवाइजर क्या होता है बताओ मेरे को? अभी इतनी बार समझाया ना मैंने, हाइपरवाइजर क्या होता है बालक? हाइपरवाइजर कैसे फिजिकल हो जाएगा? हाइपरवाइजर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है ना, तो हाइपरवाइजर तो वैसे ही वर्चुअल है। तो हाइपरवाइजर आप फिजिकल क्या कहना चाह रहे हो कि फिजिकल का पार्ट होगा, मतलब फिजिकल सर्वर पे हमने हाइपरवाइजर रखा, तो ये आप कहना चाह रहे हो, तो इट्स ओके, फिर आप सही है, आप सही सोच रहे हैं। आप अगर ये कहना चाह रहे हो कि यहां तक सर फिजिकल है, तो ठीक है, इट्स ओके, यस हाइपरवाइजर इज देयर, हाइपरवाइजर तो डलेगा, ये इंस्टांस नहीं है, ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर है। लिनक्स यूनिक्स विंडोज क्या है, वो इंस्टांसेस हैं, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो इंस्टांसेस हैं, बट ये आपका क्या है, पूरी तरह से हाइपरवाइजर है। सो लिनक्स भी है, ऐसा नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेगा वेंडर, उसको तो करना होगा, लेकिन हार्ड डिस्क के पार्टीशन में होगा। एप्पल का लैपटॉप लेता है कोई, तो आप देखोगे वो क्या करता है, जो एप्पल का लैपटॉप के साथ वो क्या करता है, विंडोज भी डाल लेता है,
क्या करता है, विंडोज भी डालता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उनको समझ में नहीं आता है या उतना हैंडी नहीं होता, तो वो क्या करते हैं उसमें विंडोज ही डाल देते हैं। तो एक ही कंप्यूटर में क्या है, दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ना। सो दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चल रहा है, इसका मतलब हार्ड डिस्क का पार्टीशन हुआ है। सो हार्ड डिस्क का पार्टीशन क्या, एक पार्ट से हमने एक ओएस को चलाया, दूसरे पार्ट से दूसरे ओएस को चलाया, तो लिनक्स यूनिक्स विंडोज ये तीनों इंस्टॉल होंगे और जो आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी इंस्टॉल होगा, लेकिन ये अलग अलग पार्टीशन में इंस्टॉल होगा। That is what we have to see here. तो ये हो गया आपका basically क्या, one to many and many to one. ठीक है, अब जरा गौर करो अगले aspect पे। चलो जरा गौर करो, मेरे पास एक server है, ठीक है, मेरे पास एक server है इस तरह से, okay? और इसमें वी हैव द हार्डवेयर। अब हमको अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं है ना, तो मैं अगर हार्डवेयर लिख देता हूं तो आप बोलोगे हाँ सर काफी है, मतलब सब कुछ होगा, रैम वैम प्रोसेसर स्टोरेज सब कुछ होगा। और ये मेरा फिजिकल सर्वर है, मान लो ये मेरा है फिजिकल प्रोडक्शन सर्वर, ये मेरा फिजिकल प्रोडक्शन सर्वर है, यहां से मैं अपना काम करता हूं, राइट। अब हमने क्या किया, जो मेरा हार्डवेयर है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, इसको हमने क्या किया ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद इसके ऊपर डाल दिया हाइपरवाइजर, क्या डाल दिया हाइपरवाइजर। तो आपने कहा सर हम एक काम करते हैं इसके ऊपर हम डाल देते हैं हाइपरवाइजर, कोई बात नहीं, इसके ऊपर हमने डाल दिया हाइपरवाइजर। जब हमने हाइपरवाइजर को डाला तो क्या क्रिएट करेंगे बताओ, तो आप कहते हैं सर वर्चुअल बॉक्सेस क्रिएट होंगे, क्या क्रिएट होंगे, तो वर्चुअल बॉक्सेस क्रिएट होंगे। तो लेट्स से हमारे पास हमने हाइपरवाइजर की मदद से यहां वर्चुअल बॉक्सेस को क्रिएट कर दिया, ठीक है, इसमें लिनक्स है, इसमें यूनिक्स है, इसमें विंडोज है, ठीक है, इस तरह से हमने वर्चुअल बॉक्सेस को क्रिएट किया। एंड हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाले क्या है एप्लीकेशन है, जो अलग अलग यूजर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो दीज आर आर एप्लीकेशन। ठीक है, दीज आर आर एप्लीकेशन। अब जरा गौर करो, क्या हो, अभी आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, क्या हो अगर आपका फिजिकल फॉर्म फेल कर जाए, तो आपने कहा सर अगर फिजिकल फॉर्म फेल किया तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, शटडाउन हो जाएगा, वर्चुअल फॉर्म वैसे ही अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर हमने फिजिकल फॉर्म को फेल हो गया मेरा किसी भी कारण से, तो हमारा वर्चुअल फॉर्म क्या होगा, अवेलेबल नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ, तो आप क्या करना चाहोगे, आपने डिजास्टर रिकवरी पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना, याद है किसी को डिजास्टर रिकवरी में क्या करते हैं, डिजास्टर रिकवरी याद है आपको, डीआर साइट याद है, डीआर साइट हॉट साइट आपने बनाया था, और आप क्या कहते थे उसमें कि सर अगर मेरा प्राइमरी प्रोडक्शन सर्वर फेल हो जाए, अगर मेरा प्राइमरी प्रोडक्शन मशीन फेल हो जाए तो हम करें क्या, हम डाउन टाइम तो बढ़ा नहीं सकते, तो डाउन टाइम से बचने के लिए हमने डिजास्टर रिकवरी की बात करी थी। तो हमने कहा था सर वी नीड टू हैव अ डीआर साइट, हमारे को क्या होना चाहिए, एक डीआर साइट होना चाहिए, एक सेकेंडरी सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, कि अगर मेरा प्राइमरी सिस्टम फेल हो जाए तो मैं सेकेंडरी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकूं, याद है या भूल गए, याद होना चाहिए। तो आप कहते हैं सर वी नीड टू हैव अ सेकेंडरी सिस्टम, ताकि जब प्राइमरी फेल हो जाए तो सेकेंडरी सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। अब जरा गौर करो, ये मेरा एक सिस्टम है जिसपे मेरे पास तीन वर्चुअल सर्वर है, और तीनों के तीनों वर्चुअल सर्वर क्या किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हमारे को कंसर्न ये है कि तब क्या होगा जब किसी तरह का डिजास्टर स्ट्राइक करता है और मेरा जो फिजिकल सर्वर है ये काम करना बंद कर देता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने एक सेकेंडरी सर्वर क्रिएट किया, यहां हमने क्या किया, एक सेकेंडरी सर्वर को क्रिएट किया। सो दीज आर द हार्डवेयर्स, एक सेकेंडरी सर्वर को क्रिएट किया, एंड देयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जरा गौर करो, हम करते क्या है, हम क्या कहते हैं कि जो हाइपरवाइजर यहां है, जो हाइपरवाइजर यहां है, हमें क्या करना है, सेम हाइपरवाइजर, जो हाइपरवाइजर यहां है हमें क्या करना है, सेम हाइपरवाइजर यहां इंस्टॉल करना है इस दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे। तो हमने क्या किया, सेम हाइपरवाइजर को जो पहले सिस्टम पे था, सेम हाइपरवाइजर को हमने क्या किया, यहां इंस्टॉल कर दिया। तो वी हैव एन हाइपरवाइजर हियर, तो हमने क्या किया, सेम हाइपरवाइजर को यहां इंस्टॉल कर दिया, सेम हाइपरवाइजर को, दैट इज द ओनली कंडीशन, राइट। अब जरा देखो, दोनों पे हमारे पास हाइपरवाइजर्स क्या है, सेम है। और अब हम कहते हैं कि सर देखो, ये जो मेरा है ये सेकेंडरी सिस्टम है, इसको हम स्टैंड बाय में रखते हैं, इसको यूज में नहीं रखते हैं, इसको कहां रखा हुआ है हमने, स्टैंड बाय में रखा हुआ है, इसको कहते हैं तुम रुको, तुम्हारा इस्तेमाल तब करेंगे जब यहां कुछ बवाल होगा, मेरे प्राइमरी सिस्टम में जब बवाल होगा तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। ये मेरा कौन सा सिस्टम है,
ये मेरा प्राइमरी सिस्टम है जिससे मैं अपने काम को परफॉर्म कर रहा हूं, ये स्टैंड बाई सिस्टम है, मतलब ये मेरा सेकेंडरी सिस्टम है, ये मेरा सेकेंडरी सिस्टम है, इसको मैं तब यूज करूंगा जब किसी कारण से मेरा प्राइमरी सिस्टम क्या हो जाए, फेल हो जाए। सो सेम हाइपरवाइजर लगाने का पर्पस क्या है कि जब कभी किसी भी कारण से हमारा प्राइमरी सिस्टम फेल होता है या क्रैश करता है या इसमें किसी तरह का फॉल्ट आता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में ये जो वर्चुअल पार्ट है दैट पार्ट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दिस सिस्टम। अब चूंकि ये वर्चुअल पार्ट है दैट इज व्हाई इट कैन बी शिफ्टेड, और यही रीजन था कि आपने क्या रखा था, आपने सेम हाइपरवाइजर को रखा था। सेम हाइपरवाइजर को क्यों रखा था आपने, क्योंकि अगर हाइपरवाइजर अलग होता तो जाहिर सी बात है ये शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, इसीलिए आपने कहा सर हम सेम हाइपरवाइजर को रखेंगे, और अगर किसी कारण से मेरा प्राइमरी सिस्टम फेल हुआ तो उस कंडीशन में ये जो वर्चुअल पार्ट है दिस वर्चुअल पार्ट विल बी ट्रांसफर टू द सेकेंडरी सिस्टम इन रियल टाइम। इसको रियल टाइम में हम क्या कर सकते हैं, यहां से यहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो बताओ डाउन टाइम क्या हो जाएगा, आप कहते हैं सर डाउन टाइम आपका मिनिमाइज हो जाएगा। डाउन टाइम आपका क्या हो जाएगा, डाउन टाइम आपका मिनिमाइज हो जाएगा। और बालक इसको क्या बोलेंगे, कौन बताएगा मुझे इसको क्या बोलेंगे, आप कहते हैं सर इस प्रोसेस को आप बोलेंगे डिजास्टर रिकवरी। क्या बोलोगे, डिजास्टर रिकवरी बोलोगे या नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, डिजास्टर रिकवरी। हम क्या कहते हैं, अगर मेरा फिजिकल प्रोडक्शन सर्वर फेल हुआ, रियल टाइम में वर्चुअल पार्ट को शिफ्ट करूंगा, और इसको हम कहते हैं डिजास्टर रिकवरी। दैट कैन बी डन इजीली, और वर्चुअलाइजेशन आपको इसमें भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ना, क्लियर है। नेक्स्ट आओ, डन। अब मैं आपको अगला टेक्निक समझाने जा रहा हूं, ये तो डिजास्टर रिकवरी हो गया, अगला टेक्निक मैं आपको समझाने जा रहा हूं ओवर एलोकेशन कैसे होता है। रिसोर्सेज का ओवर एलोकेशन भी हो सकता है, राइट, ओवर एलोकेशन कैसे होता है, जरा गौर करना है इस पे। अगेन वी हैव अ हार्डवेयर, हम फिर से आते हैं एक सिस्टम पे, और इस पर हम एक ही हार्डवेयर कंसिडर करते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट आप कितने भी हार्डवेयर पे लगा दो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज अ सिस्टम, राइट, दिस इज अ सिस्टम, एंड लेट सी वी आर टॉकिंग अबाउट रैम। हम किसकी बात कर रहे हैं, रैम की बात कर रहे हैं। अब जरा देखो, रैम की बात कर लो या स्टोरेज की बात कर लो, तो आपको मैं आपने पहले भी लिखा है इस बात को, आगे भी आप इस बात को लिखोगे, बार बार इस बात को लिखोगे कि जैसे क्लाउड की जब बात करते हैं तो आप क्लाउड में कहते हैं कि क्लाउड में हमें अनलिमिटेड स्टोरेज की फैसिलिटी मिलती है। या आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्केल अप एंड स्केल डाउन, याद करो स्केलेबिलिटी करके आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाओगे तो वहां देखोगे आप स्केलेबिलिटी बहुत ही हाई होती है, मतलब लेवल ऑफ सर्विस को आसानी से स्केल अप किया जा सकता है, आसानी से स्केल डाउन किया जा सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है एंड व्हाई इट इज इजी टू स्केल अप एंड स्केल डाउन, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हिडन इन द वर्चुअलाइजेशन। तो आप जब क्लाउड में जाओगे तो मैं तो एक लाइन में लिखवाऊंगा कि द इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्केलेबल, और मैं बोलूंगा द सर्विसेज कैन बी इजीली स्केल्ड अप, बढ़ाया जा सकता है, इजीली स्केल डाउन, घटाया जा सकता है यूजर के डिमांड के हिसाब से। बट इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, तो जरा इसको समझते हैं। सो रिसोर्सेज का ओवर एलोकेशन किया जा सकता है। अब आप इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है। देखो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि सारे सिस्टम्स जो होते हैं ना कभी भी फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं होते। जैसे आप अपने अपने खुद का एग्जांपल ले लो, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास लैपटॉप है, राइट, कभी भी ऐसा होता है कि आप अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप का फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइजेशन कर रहे हो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, कभी नहीं होता ऐसा। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपका सिस्टम जो है यूज में नहीं होता है। या फिर मान लो अगर रात का टाइम है तो रात के टाइम में लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, राइट, तो जाहिर सी बात है उनका सिस्टम क्या है, आइडल पड़ा हुआ है, उस समय भी वो यूज नहीं हो रहा होगा, राइट। सो इस तरह से देखो, मान लो अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में जब लोग दिन में जग के काम कर रहे होते हैं, यूएस में सो रहे होते हैं लोग, और जब यूएस में काम कर रहे होते तो इंडिया में सो रहे होते लोग, है ना, इतने का टाइम का क्या है डिफरेंस है। तो किसी भी सेटअप में हम देखते हैं कि सारे के सारे सिस्टम्स एक साथ फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं होते हैं, इसका यूज किया गया। और वर्चुअलाइजेशन में हम कहते हैं क्यों ना हम ओवर एलोकेशन करें। जैसे मान लो ना, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो रैम है हमारा, ये फिजिकल रैम जो है मेरे पास मेरे सिस्टम में, वो 4 GB का है। मान लो कितने जीबी का रैम है, 4 GB का रैम है, ओके।
और हमने क्या किया इस पे, हमने अरेंजमेंट किया, ओएस वगैरह था हमारा, हाइपरवाइजर डाला हमने, हाइपरवाइजर डाल के हमने क्या किया वर्चुअलाइजेशन को क्रिएट कर दिया, जहां हमने हाइपरवाइजर डाला, हाइपरवाइजर डाल के हमने क्या कर दिया वर्चुअलाइजेशन को क्रिएट कर दिया, राइट। नाउ देयर आर यूजर्स, अब ये यूजर्स कहते हैं कि हमें आपके सिस्टम को एक्सेस करना है, क्या आप अपने सिस्टम का एक्सेस हमें दोगे? हमने कहा हाँ बिल्कुल दे देंगे, बताओ आपको क्या चाहिए। तो ये यूजर कहता है मेरे को 1 GB रैम चाहिए, ये कहता है मेरे को 1 GB रैम चाहिए और मुझे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मान लो ये कहता है मेरे को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, 1 GB रैम चाहिए। दूसरा जो यूजर था ये कहता है मेरे को 3 GB रैम चाहिए, ये कहता है मेरे को, या 2 GB रैम चाहिए, ये कहता है मेरे को 2 GB रैम चाहिए, ठीक है। सो 2 GB रैम चाहिए इसको, और ये कहता है मेरे को लिनक्स चाहिए, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, लिनक्स चाहिए। फिर तीसरे से पूछा भाई आप बताओ, तो ये कहता है मेरे को 1 GB रैम चाहिए या 2 GB रैम चाहिए, लेट्स से इसको भी कितना चाहिए, 2 GB रैम चाहिए, और ये कहता है मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा चाहिए इसको, विंडोज चाहिए। जरा गौर करो डिमांड कितने का है, तो आप कहते सर डिमांड आपका टोटल 5 GB का है या नहीं है, है ना। सो एक्स ने कितना जीबी मांगा है, 1 GB, वाई का क्या डिमांड है, 2 GB, और जेड का क्या डिमांड है, 2 GB, तो टोटल कितने हो गया, 5 GB। फिजिकल डिवाइस में कितना है, 4 GB, हो सकता है क्या, पॉसिबल है। आप कहते सर 4 GB का लोकेशन 5 GB में कैसे हो सकता है, 5 GB का लोकेशन 4 GB में हो सकता है, समझ में आता है, आप 4 GB को 5 GB में कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। ऐसा कुछ उठापटक हमने किया था पहले सर, जब हम वर्चुअल मेमोरी पढ़ रहे थे तो रैम के साइज को हमने बढ़ा दिया था, लेकिन रैम के साइज को बढ़ाया था लेकिन रैम में हार्डवेयर नहीं लगाया था हमने, तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर अरेंजमेंट हम पढ़ चुके हैं, बट वो तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। उसमें तो हम अपने हार्ड डिस्क के स्पेस का यूज करते थे और हार्ड डिस्क में ही प्रोग्राम को तोड़ के क्या करते थे, पेज लेंथ में, और बारी बारी से अपलोड करते थे। वहां भी ऐसा कुछ बवाल नहीं हो रहा था कि 4 GB का रैम क्या हो रहा है, 5 GB का हो जा रहा है। सो हाउ इट विल हैपन, तो आप क्या कहते हैं, जैसे ही हमने हाइपरवाइजर लगाया क्या होगा, वर्चुअलाइजेशन होगा। वर्चुअलाइजेशन जब हुआ तो वी गेट व्हाट, द वर्चुअल बॉक्सेस, द वर्चुअल सर्वर्स, द वर्चुअल मशीन्स, हमारा क्या क्रिएट हो गया, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हो गया। तो ये है मेरे क्या, वर्चुअल मशीन्स। अब हम क्या कहते हैं, अब आप क्या कहते हैं, हम कहते हैं देखो ऐसा है ना कि ये जितने भी एप्लीकेशंस ये लोग यूज करना चाह रहे हैं, एक्स या वाई या जेड, है ना, तो ये इसको चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। हमने कहा सर हम तीनों को एक्सेस दे सकते हैं बहुत आसानी से, तो पूछा गया कैसे, हम कहते हैं हम तीनों को जितना रैम इनको चाहिए इतने रैम का हम इनको एलोकेशन करते हैं। हमने कहा जो एक्स है, एक्स को 1 GB रैम चाहिए तो उसको हमने 1 GB रैम दे दिया, वाई को 2 GB रैम चाहिए इसको हमने 2 GB रैम दे दिया, इसको 1 GB दे दिया, इसको 2 GB दे दिया, पार्टीशन होता चला गया, इसी 4 GB का पार्टीशन कर रहे हैं। और जो जेड है, अब जेड का एलोकेशन कैसे होगा जरा सोचो, हम क्या कहते हैं तीनों सिस्टम सर एक ही समय में फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं हो सकता। तो अगर मान लो वाई फुल कैपेसिटी पे यूज हो रहा है तो वाई को एलोकेशन जो होगा वो एग्जैक्ट 2 GB का एलोकेशन होगा, और जबकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जेड का एलोकेशन सिर्फ कितना रह जाएगा, 1 GB का एलोकेशन। लेकिन जेड को हमने बोला क्या कि यस 2 GB मैंने आपको दिया, आपको जब जरूरत है आप यूज करो, हम कभी आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब वाई फुल कैपेसिटी पे यूज हो रहा है तो वाई का एलोकेशन कितने का है, 2 GB, फुल 2 GB इसको दिया गया, लेकिन दोनों का कितना हो गया, एक्स का 1 GB है और जेड का कितना हो गया, 1 GB हो गया। अब जब जेड जो है ये जब फुल कैपेसिटी पे यूज करना शुरू करता है और 2 GB को कंज्यूम करना शुरू करेगा, उस समय जरूरी नहीं है कि वाई भी फुल कैपेसिटी पे यूज कर रहा हो, जरूरी नहीं है एक्स भी फुल कैपेसिटी पे यूज कर रहा हो, तो यहां क्या होगा, इसको 1 GB का लोकेशन रहेगा और इसको कितने जीबी का लोकेशन हो जाएगा, 2 GB का लोकेशन हो जाएगा। तो टेक्निकली हो क्या रहा है कि 4 GB का ही एलोकेशन आपने कितने में कर दिया, 5 GB में कर दिया। डिमांड 5 GB का था, आपके पास हार्डवेयर 4 GB का ही है, लेकिन आपने कहा आपको पता है आपके लिए तीन यूजर जो है, तीन अलग अलग तरह के यूजर है, और ये तीनों यूजर एक साथ अपने मशीन को फुल कैपेसिटी पे कभी यूज नहीं करेंगे, और अगर वो अपने मशीन को फुल कैपेसिटी पे कभी यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, आप कहते हैं ओवर अलोकेशन, और ये ऑटोमेटिकली मैनेज होता रहेगा। आप जानते हैं मैंने बताया था हाइपरवाइजर के साथ हमारे पास क्या आता है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है, तो रिसोर्सेस का क्या हो सकता है, ओवर एलोकेशन हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई लेवल ऑफ सर्विसेज कैन बी इजीली स्केल्ड अप, इजीली स्केल्ड डाउन। आप कहते हैं मेरे को 100 GB का स्टोरेज चाहिए, वो बोलेगा ठीक है ले लो, उसको पता है कि आप 100 GB फुल कैपेसिटी में यूज नहीं करते आप हमेशा। आप कहते हैं मेरे को
फिर आपने तो कुछ दिन के बाद कहा मेरे को 1 TB का स्टोरेज चाहिए, वो बोलेगा ले लो। फिर आप कहते नहीं मेरे को 500 MB का ही स्टोरेज चाहिए, घटा दो मेरा, वो कहता ठीक है हम रिड्यूस कर देते हैं आपका। सो ओवर एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड दैट कैन बी डन इन द केस ऑफ व्हाट, वर्चुअलाइजेशन। क्लियर है? इसको कहते हैं ओवर एलोकेशन। ये भी क्या हो सकता है, किया जा सकता है। अब इसको डॉटेड लाइन से इस सेक्शन को क्लोज करो और जरा देखो। अब मुझे बताते चलो, मैं आपसे कुछ चीजें बोलता जाता हूं, आप मेरे को बताते चलो इसका मतलब। मेरे पास एक लैन है, लैन जानते हो ना आप, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। सो मेरे पास एक लैन है, ठीक है, एंड दैट लैन इज अ फिजिकल लैन, ठीक है। इस एक लैन को हमने प्रोविजन किया और इसको ब्रेक किया एज मल्टीपल स्मॉलर वर्चुअल लैन। तो हमने क्या किया, एक लैन को जो फिजिकल था, ये कैसा था, ये फिजिकल था, इसको हमने मल्टीपल किस में तोड़ दिया, वर्चुअल में तोड़ दिया। मल्टीपल किस में तोड़ दिया, वर्चुअल में तोड़ दिया। तो बताओ क्या बोलोगे, ये क्या है बेसिकली? आप बोलोगे सर ये है आपका 1-2 many। लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं, वी हैव मेनी स्मॉलर वर्चुअल लैन। हमारे पास क्या है, स्मॉलर वर्चुअल लैन है। हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलर वर्चुअल लैन को कंबाइन करके वी कैन क्रिएट अ बिग वर्चुअल लैन। हमारे पास क्या बन गया, एक बड़ा लैन बन गया, दिस इज अ स्मॉलर वर्चुअल लैन। इसको हमने कंबाइन करके क्या किया, बिग वर्चुअल लैन में बनाया। तो इसको क्या बोलोगे आप, मेनी टू वन बोलोगे ना, इसको कहते हैं बालक नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। अब मान लो, इस बात को समझो, मान लो आपके पास मल्टीपल सर्वर है, एक सर्वर, दो सर्वर, तीन सर्वर, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। आपके पास तीन सर्वर्स हैं एंड यू हैव सिंगल बैंडविड्थ, आपके पास एक बैंडविड्थ है, और तीन सर्वर को आपको नेटवर्क का कनेक्शन देना है। कितने सर्वर है आपके पास, तीन सर्वर है, बैंडविड्थ क्या है, सिंगल बैंडविड्थ है। तो सिंगल बैंडविड्थ से आपको क्या करना है, तीन सर्वर को कनेक्शन देना है। तो आप बोलोगे सर होगा कैसे, ये तो मामला उलझ गया, क्योंकि अगर मेरे पास एक बैंडविड्थ है तो तीन सर्वर को कनेक्शन दे ही नहीं पाएंगे, किसी एक को कनेक्शन दे पाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, सर हम एक काम करेंगे, वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं। तो क्या करेंगे वर्चुअलाइजेशन यूज करके, आपने कहा सर तोड़ दो ना, तो सिंगल बैंडविड्थ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल चैनल्स। हमने क्या किया, इसको चैनल में तोड़ना शुरू किया, दिस इज चैनल 1, दिस इज चैनल 2 एंड दिस इज चैनल 3। हमने क्या किया, एक ही बैंडविड्थ को तीन चैनल में तोड़ दिया, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3। और हम जानते हैं ये तीनों चैनल उसी तरह से है जिस तरह से एक फिजिकल सर्वर को तीन वर्चुअल सर्वर में तोड़ा था हमने, और उन तीनों वर्चुअल सर्वर का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, एक पे लिनक्स था, एक पे यूनिक्स था, एक पे विंडोज था, और तीनों एक इंडिपेंडेंट मशीन की तरह काम कर रहे थे, वो आपस पे डिपेंडेंट नहीं थे। लाइकवाइज जैसे ही एक बैंडविड्थ को हमने तीन चैनल्स में ब्रेक किया, तो ये चैनल्स एक दूसरे से पूरी तरह से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। और इन तीन चैनल के मदद से हम क्या कर सकते हैं, तीनों सर्वर को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। बताओ क्या होगा, ये क्या बुलाओगे इसको, आप बोलोगे ना सर ये क्लियर कट केस है किसका, 1-2 many का। याद रखना 1-2 many, many-1 मत भूलना। आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है, आपका वर्चुअलाइजेशन का टॉपिक आपके लिए बहुत निहायत ही आसान हो जाएगा। थ्योरी लिखना, थ्योरी पढ़ना, थ्योरी समझना, किसी भी चीज में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब भूलना मत इसको, 1-2 many, many-1। इसी तरह से हमने कहा, जिस तरह से हमारा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है, इसी तरह से स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन होता है, इसी तरह से हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन भी होता है। अगर आप हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की बात करोगे, इसका मतलब हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या आप जानते हो क्या, आपने कहा सर हम जानते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। हमने कहा सर 1 physical server, एक फिजिकल सर्वर को हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्चुअल सर्वर में तोड़ सकते हैं। सो एक फिजिकल सर्वर को अगर हमने मल्टीपल वर्चुअल सर्वर में तोड़ा, दैट्स द वन वे, जिसको हमने क्या कहा, 1-2 many। ये क्या है मेरा, तो हमने कहा सर इसको हमने कहा 1-2 many, ये पॉसिबल है, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। हमने कहा क्या कि मल्टीपल फिजिकल कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट 1 virtual। इसको हमने क्या कहा, मेनी टू
वन, देखो मेनी टू वन, मेनी टू वन का क्या की क्या खासियत है? तो आप कहते हैं सर मेनी टू वन की ये खासियत है कि बहुत सारे सर्वर को हमने कंबाइन करके क्या किया, वन बना दिया, इसलिए बालक हम सर्वर कॉन्सोलिडेशन भी कहते हैं इसको। किसको कॉन्सोलिडेट किया? सर्वर को ना, इसको सर्वर कॉन्सोलिडेशन भी कहा जाता है, तो आप इसको सर्वर कॉन्सोलिडेशन भी कह सकते हैं। ये तो आपके टाइप्स हैं, और इसी प्रकार से आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन भी होता है। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में भी आपको दो चीजों को याद रखना है, वन टू मेनी, मेनी टू वन। तो तीन तरह के वर्चुअलाइजेशन आपको पढ़ने हैं, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। वन लैन टू मेनी लैन, मेनी लैन टू वन लैन, वन बैंडविड्थ टू मेनी चैनल, राइट। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में क्या बोला, वन सर्वर टू मेनी सर्वर, मेनी सर्वर टू वन सर्वर, राइट। और सेम आपको किसमें यूज कर लेना है, स्टोरेज में, दिस ऑल अबाउट योर वर्चुअलाइजेशन। खत्म हो गया वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में दो चीजों को आपको पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड द टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। और इस नोट सेक्शन में दोनों चीजें कवर हो गई हैं। जब अभी आप थियरी देखोगे तो आप आसानी से कनेक्ट कर लोगे कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ भी नहीं रखा। बैंडविड्थ वर्चुअलाइजेशन, यस राज, किसी भी चीज को आप वर्चुअलाइज कर सकते हैं, एनी रिसोर्स कैन बी वर्चुअलाइज्ड। यू हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट नाउ कि वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, तो आप कहीं भी वर्चुअलाइजेशन करो, नो मैटर, जहां भी आपको जरूरत है वर्चुअलाइजेशन करो, इट्स ओके। सो दिस वॉज योर वर्चुअलाइजेशन, ये था आपका वर्चुअलाइजेशन, आपने देखा। और तीन टाइप होते हैं बेसिकली, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन होता है, और आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन होता है। तीनों के को जब आप समझते हैं तो वन टू मेनी एंड मेनी टू वन के कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, ठीक है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में भी सेम, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में भी सेम। और कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जैसे आपने डिजास्टर रिकवरी को समझा, दैट वॉज वन एप्लीकेशन। आपने सर्वर कॉन्सोलिडेशन को समझा, दैट वॉज वन एप्लीकेशन। इस तरह से आपको एप्लीकेशन हैं, और एप्लीकेशंस के अलावा आपको टाइप्स, एंड दैट व्हाट यू हैव टू कवर इन केस ऑफ व्हाट, वर्चुअलाइजेशन। रेफर बुक फॉर थियरी, इसके थियरी कंटेंट के लिए हमें क्या करना है, बुक को रेफर करना है। रेफर बुक फॉर थियरी, पेज नंबर, ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या क्या चीजें, राइट। तो आपके सामने बुक होगा, बुक ओपन करिए, और अभी जो आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको साथ में रखिएगा क्लास नोट्स को, एंड लेट्स सी। वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इन कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन मींस टू क्रिएट अ वर्चुअल वर्जन ऑफ ए डिवाइस और रिसोर्स, किसी डिवाइस या रिसोर्स का वर्चुअल वर्जन क्रिएट करना इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन। सिंपल है ना, तो हम कहते हैं किसी भी डिवाइस का क्या क्रिएट करना, वर्चुअल वर्जन क्रिएट करना, किसी भी तरह के रिसोर्स का, चाहे वो किसी तरह का सर्वर हो, चाहे वो किसी तरह का स्टोरेज हो, या फिर नेटवर्क हो, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, राइट। तो किसी भी तरह के रिसोर्सेस का जब हम वर्चुअल वर्जन क्रिएट करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है वर्चुअलाइजेशन। और इसलिए हमने कहा था कि वर्चुअलाइजेशन का मतलब है सिंपली फिजिकल वर्जन को वर्चुअल वर्जन से क्या करना, एब्स्ट्रैक्ट कर देना, अलग कर देना। फिजिकल वर्जन को वर्चुअल वर्जन से क्या कर देना, एब्स्ट्रैक्ट कर देना, इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन। एंड फॉर दैट पर्पस यू यूज अ सॉफ्टवेयर, एंड द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज हाइपरवाइजर, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन रेफर्स टू, सेकेंड पॉइंट देखना, वर्चुअलाइजेशन रेफर्स टू टेक्नोलॉजीज डिजाइन टू प्रोवाइड अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्या देता है ये, लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देता है बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन देम। सो इट गिव्स अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये क्या देता है हमारे को, एब्स्ट्रैक्शन देता है, बाय प्रोवाइडिंग अ लॉजिकल व्यू ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेस रदर दैन अ फिजिकल व्यू। सो इट विल प्रोवाइड यू अ लॉजिकल व्यू, एंड दैट लॉजिकल व्यू, जैसे हमने कहा था हार्ड डिस्क का क्या बना था, लॉजिकल ड्राइव्स बन गया था, इट विल गिव यू अ लॉजिकल व्यू, इट विल गिव यू अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये आपको क्या देगा, लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देगा, और आपका फिजिकल फॉर्म एंड लॉजिकल फॉर्म को आप क्या कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। वर्चुअलाइजेशन अलाउ इट्स यूजर टू मैनिपुलेट देयर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनटू थिंकिंग दैट
A group of servers is a single pool of computing resources, and conversely, allows the user to run multiple operating systems simultaneously on a single machine. राइट तो दोनों चीजों की यहां बात करी आपने क्या क्या दिखता है अ ग्रुप ऑफ सर्वर इज एज अ सिंगल पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है ना सो अ ग्रुप ऑफ सर्वर तो बहुत सारे सर्वर को ग्रुप करके वी कैन क्रिएट एज अ सिंगल पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड कन्वर्सली क्या होता है रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल मशीन सो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं सिंगल मशीन पर रन कर सकते हैं राइट और बहुत सारे सर्वर को मिला के हम क्या कर सकते हैं ग्रुप ऑफ सर्वर को सिंगल सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं राइट सो दिस कैन बी डन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन लाइज इन पार्टीशनिंग आपने कहा था जो कोर कॉन्सेप्ट क्या है पार्टीशनिंग है जब भी हम वर्चुअलाइज कर रहे थे पार्टीशन कर रहे थे बैंडविड्थ को वर्चुअलाइज करने की कोशिश करी चैनल में तोड़ा तो पार्टीशन किया किया ना तो सिंगल लैन को जब हम मल्टीपल वर्चुअल लैन में बदल रहे थे तो पार्टीशन किया अगर हम हार्ड डिस्क को बदल रहे थे स्टोरेज को चेंज करते हैं वन टू मेनी में तो पार्टीशन करते हैं सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पार्टीशनिंग है व्हिच डिवाइड्स अ सिंगल फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल लॉजिकल सर्वर पार्टीशन की मदद से ही हम क्या कर लेते हैं सिंगल फिजिकल सर्वर को मल्टीपल लॉजिकल सर्वर में वी कैन सिंपली डिवाइड वंस द फिजिकल सर्वर इज डिवाइडेड जैसे ही आपने फिजिकल सर्वर को डिवाइड किया ईच लॉजिकल सर्वर कैन रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंटली याद करो जैसे ही हमने डिवाइड कर दिया तीन वर्चुअल बॉक्सेस बने एक में लिनक्स डाला एक में यूनिक्स डाला एक में विंडोज डाला तो तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं एंड उसके ऊपर एप्लीकेशंस को इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं एक वर्चुअल मशीन का दूसरे वर्चुअल मशीन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती यही है ना कॉन्सेप्ट नहीं नहीं बिल्कुल नहीं क्लास नोट्स में यही होता है बालक क्लास नोट्स में मैं आपको सिर्फ रेलेवेंट चीजें देता हूं है ना बुक में बहुत कुछ है आपको इतना थोड़ी लिखना है डेफिनेशन में आपको एक डेफिनेशन उठाओ लिखो काम खत्म है ना सो आपने एक डेफिनेशन उठाया आपने कहा वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग फिजिकल फॉर्म फ्रॉम इट्स वर्चुअल फॉर्म राइट इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच एंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज पार्टीशनिंग फुल स्टॉप दैट्स इट और सब कुछ पता होना चाहिए आपको जाहिर सी बात है एग्जाम्पल में पार्टीशनिंग ऑफ हार्ड ड्राइव इनटू वेरियस लॉजिकल ड्राइव्स जो हमने एग्जाम्पल में लिया था सबसे पहले हमें देखना है एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन DTP PS सबसे पहला है आपका डिजास्टर रिकवरी सेकेंड है टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग थर्ड है फिर है आपके पास पोर्टेबल एप्लीकेशन पोर्टेबल वर्क स्पेस एंड सर्वर कॉन्सोलिडेशन नंबरिंग है इसका मतलब सीक्वेंस क्या होगा सबसे पहले हम सर्वर कॉन्सोलिडेशन को पढ़ेंगे राइट सेकेंड देख लेंगे डिजास्टर रिकवरी को फिर देखेंगे टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग को फिर पोर्टेबल एप्लीकेशन एंड पोर्टेबल वर्क स्पेस को समझेंगे टोटल एप्लीकेशन कितने हैं तो 5 एप्लीकेशन ठीक है चलो समझते हैं स्टार्ट विद द सर्वर कॉन्सोलिडेशन क्या आप जानते हो सर्वर कॉन्सोलिडेशन को बिना बुक देखे हुए मेरे को बताओ क्या आप जानते हैं सर्वर कॉन्सोलिडेशन को आप कहते हैं सर हम जानते हैं हमने P2V ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था सर फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हमने पढ़ा था इस बात को कि मल्टीपल सर्वर को हम कॉन्सोलिडेट कर सकते हैं टू क्रिएट वन वर्चुअल सर्वर उसी को सर्वर कॉन्सोलिडेशन कहा जाता है और वर्चुअलाइजेशन की मदद से सर्वर कॉन्सोलिडेशन किया जा सकता है दैट इज व्हाई इट इज एन एप्लीकेशन तो सबसे पहला क्या है आपका सर्वर कॉन्सोलिडेशन वर्चुअल मशीन्स आर यूज्ड टू कॉन्सोलिडेट मेनी फिजिकल सर्वर इनटू फ्यूअर सर्वर हम क्या कर सकते हैं मिनी फिजिकल सर्वर को क्या कर सकते हैं फ्यूअर सर्वर में लेके आ सकते हैं ये खासियत है इसको हमने कहा था सर दिस इज मिनी टू वन क्या ये मिनी टू वन विच इन टर्न होस्ट वर्चुअल मशीन्स है ना ईच फिजिकल सर्वर इज रिफ्लेक्टेड एज अ वर्चुअल मशीन गेस्ट Residing on a virtual machine host system. It is also known as P2V transformation. Simple hai, hum kya kehte hai? Many physical server into fewer server is possible or physical to virtual transformation is possible. Jab hum bahut sare server ko combine karke fewer server banate hai, that is called as server consolidation. Ek host hota hai, ek guest hota hai. Hai na? To host kaun hoga?
तो हम कहते हैं सर होस्ट सिस्टम है आपका फिजिकल एंड गेस्ट सिस्टम है आपका वर्चुअल, है ना, क्योंकि आपका जो मेन सिस्टम है वो कौन सा होता है, फिजिकल होता है ना। तो इंटर्न होस्ट वर्चुअल मशीन का कहने का मतलब हुआ ये किसको होस्ट कर रहा है, वर्चुअल मशीन को होस्ट कर रहा है। सो पहले हमारा फिजिकल है, फिजिकल ऊपर क्या बन के आता है, वर्चुअल बन के आता है। सो दैट इज कॉल्ड एज सर्वर कंसोलिडेशन। सो मेनी फिजिकल सर्वर इनटू फ्यूअर सर्वर एंड कॉल्ड एज व्हाट, P2V ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, मेनी फिजिकल सर्वर टू वर्चुअल सर्वर एंड किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, P2V ट्रांसफॉर्मेशन। आ जाओ सेकंड, डिजास्टर रिकवरी। याद है आपको डिजास्टर रिकवरी, आपने क्या कहा था कि जब मेरा फिजिकल प्रोडक्शन सर्वर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो हम रियल टाइम में क्या कर सकते हैं, जो जो मेरा ऊपर का वर्चुअल पार्ट था उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूं और डिजास्टर रिकवरी हो जाएगा, हमारा मशीन डाउन टाइम कम हो जाएगा, राइट। दैट वाज द आइडिया। वर्चुअल मशीन्स कैन बी यूज एज अ हॉट स्टैंड बाय, क्या कहा था हमने, स्टैंड बाय कहा था उसे। सो वर्चुअल मशीन्स कैन बी यूज एज अ हॉट स्टैंड बाय एनवायरमेंट फॉर फिजिकल प्रोडक्शन सर्वर, है ना, यही आइडिया है ना। हम कहते हैं हाँ सर यही आइडिया है कि हमने वर्चुअल मशीन था जो एज अ हॉट स्टैंड बाय हम क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, एज अ हॉट स्टैंड बाय हम यूज कर रहे थे। और इसका इस्तेमाल हम तब करते थे जब हमारा फिजिकल प्रोडक्शन सर्वर किसी कारण से क्या होता था, फेल हो जाता था, राइट। सो अ वर्चुअल मशीन कैन बी यूज एज अ हॉट स्टैंड बाय एनवायरमेंट फॉर फिजिकल प्रोडक्शन सर्वर। डायग्राम देखो एंड बोलो यस, समझा हुआ है ना आपने। दिस चेंजेस द क्लासिकल बैकअप एंड रीस्टोर फिलॉसफी बाय प्रोवाइडिंग बैकअप इमेजेस दैट कैन बूट इनटू लाइव वर्चुअल मशीन्स। क्या कहा आपने, ये क्या देता है, बैकअप इमेजेस देता है दैट कैन बूट इनटू लाइव वर्चुअल मशीन्स, यही कहा ना आपने। क्या देता है आपको, बैकअप इमेजेस, मतलब वही वर्चुअल पार्ट जिसको आप क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे दूसरे मशीन पे, और वो दूसरे मशीन पे क्या करेगा, बूट कर जाएगा। Capable of taking over workload from production server experiencing an outage. कहने का मतलब क्या है, अगर production server outage का शिकार होता है, किसी कारण से बंद हो जाता है, तो उससे workload क्या हुआ, hot standby पे shift कर गया, और जो backup images provide किया जा रहा था यहाँ, उसको हम क्या कर सकते हैं, virtual machine पे बूट कर सकते हैं। तो यही हमने कहा था कि जो वर्चुअल पार्ट है दैट विल बी ट्रांसफर टू द फिजिकल प्रोडक्शन सर्वर टू द स्टैंड बाय सिस्टम, और अगर मेरा फिजिकल प्रोडक्शन सर्वर किसी कारण से डिसरप्ट हुआ तो रियल टाइम में हम क्या करेंगे, स्टैंड बाय सिस्टम पे मूव कर जाएंगे, है ना। बैकअप होगा, बैकअप होता है बालक डीप एंड दैट इज ट्रांसफर्ड, वहां जाके वो क्या होता है, बूट होता है। क्या बोल रहे हो आप, बैकअप इमेजेस आर देयर एंड दैट कैन बी ट्रांसफर टू द वर्चुअल सिस्टम वेयर दैट इज बूटेड। ये हो गया आपका सेकंड एप्लीकेशन, जिसे आप क्या कह रहे हैं, डिजास्टर रिकवरी, राइट। अब बात करो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग की, राइट। देखो वर्चुअलाइजेशन क्या दे रहा है आपको, तो आप कहते हैं वर्चुअलाइजेशन हमें, आप वर्चुअलाइजेशन में वी हैव द वर्चुअल सिस्टम्स एंड थ्रू दैट वी गेट रूट एक्सेस टू द मशीन, है ना। हमारे को क्या मिलता है, हमारे को वर्चुअल, हमारे को फिजिकल का एक्सेस मिलता है, बट एज अ यूजर हम वर्चुअल फॉर्म को यूज कर रहे हो, तो जो भी रिक्वेस्ट है वो फिजिकल के पास जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, जो मेरा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वी कैन क्रिएट वर्चुअल प्लेटफॉर्म, राइट, एंड दैट वर्चुअल प्लेटफॉर्म कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्सेज की बात करो, वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आगे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जब क्लाउड पढ़ोगे, जहां मैं प्लेटफॉर्म के बारे में आपको समझाऊंगा, हाउ प्लेटफॉर्म इज क्रिएटेड। सो आप क्या कर सकते हैं, ऑन अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म एंड ऑन दैट प्लेटफॉर्म लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैन बी डन इजिली। इसी कहते हैं टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। क्या कहा जाता है, वर्चुअलाइजेशन कैन गिव रूट एक्सेस टू अ वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन कैन बी एक्सेस्ड, दिस कैन बी वेरी यूजफुल इन सच एज कर्नल डेवलपमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्सेज। कर्नल डेवलपमेंट, कर्नल इज नथिंग बट द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कर्नल डेवलपमेंट की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्सेज की बात करें, दैट कैन बी डन हियर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वर्चुअलाइजेशन। क्यों, बिकॉज वर्चुअलाइजेशन कैन गिव रूट एक्सेस टू वर्चुअल मशीन, इट कैन गिव रूट एक्सेस टू वर्चुअल मशीन। किसमें यूज है, यूजफुल है, तो आप कहते हैं कर्नल डेवलपमेंट में, ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्सेज में। इसमें और क्लैरिटी आएगी जब मैं आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करते हैं। नेक्स्ट आइए पोर्टेबल एप्लीकेशन एंड पोर्टेबल वर्क स्पेस। अब इसका मतलब समझो, पोर्टेबल एप्लीकेशन का मतलब है किसी तरह का सॉफ्टवेयर,
एंड वर्क स्पेस का मतलब होता है बालक ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज में नहीं था, सो वर्चुअलाइजेशन से पहले क्या होता था, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उस सॉफ्टवेयर को आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता था। बिना इंस्टॉलेशन के सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता था, जिसकी वजह से एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल नहीं था। पोर्टेबल तो तब होता है जब हम इसे कैरी कर सके एक जगह से दूसरी जगह, एक मशीन से दूसरी मशीन। अगर हम कैरी करें तभी वो पोर्टेबल होगा। तो वर्चुअलाइजेशन आने से पहले आपका एप्लीकेशन या आपके वर्क स्पेस, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल नहीं था। बट अब क्या हो सकता है कि आप अपने एप्लीकेशन या अपने वर्क स्पेस को किसी भी तरह का एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस से भी रन कर सकते हैं। आपने सुना होगा इस बात को कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको रन करना है तो यू कैन हैव सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, उसको आप अपने सिस्टम में प्लग करो और डायरेक्टली स्टोरेज डिवाइस से आप क्या कर सकते हैं, ओएस को रन कर सकते हैं। डायरेक्ट आप उसी स्टोरेज डिवाइस से क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ओएस एंड एप्लीकेशन को रन करने के लिए उसको आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोर्टेबल। इसको क्या किया जा सकता है, ये पोर्टेबल है, ये इसको कहते हैं पोर्टेबल एप्लीकेशन एंड पोर्टेबल वर्क स्पेस, जो आपको मिला है सिर्फ किसकी वजह से, वर्चुअलाइजेशन की वजह से। पोर्टेबल एप्लीकेशन आर नीडेड व्हेन रनिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिमूवेबल डिवाइस। क्या कह रहे हैं, रनिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिमूवेबल डिवाइस विदाउट इंस्टॉलिंग इट इनटू द सिस्टम मेन डिस्क ड्राइव। मतलब हम एप्लीकेशन को रन कर देंगे किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज रिमूवेबल डिवाइस से, हमें हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं पोर्टेबल एप्लीकेशन। रनिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम रिमूवेबल ड्राइव विदाउट इंस्टॉलिंग इट इनटू द सिस्टम मेन डिस्क ड्राइव। तो हम अपने सिस्टम में इसको बिना इंस्टॉल किए हुए किसी भी रिमूवेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस से रन कर सकते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड एज पोर्टेबल एप्लीकेशन। वर्चुअलाइजेशन कैन बी यूज्ड टू इनकैप्सुलेट द एप्लीकेशन विद अ रीडायरेक्शन लेयर दैट स्टोर्स टेम्पररी फाइल, विंडोज रजिस्ट्री एंट्रीज एंड अदर स्टेट इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी एंड नॉट विद इन द सिस्टम्स परमानेंट फाइल सिस्टम, राइट? इट्स अ सिंपल थिंग। And the next is the portable workspace. This is regarding what? OS. फिर वही चीज बोलोगे आप। Virtualization creates to create portable workspace on devices like iPod, USB memory stick, etc. इस पे आप क्या कर सकते हैं? Portable workspace की बात करते हैं। आप insert करो और आपका वो चलना शुरू हो जाएगा। This is called as portable workspace. रूट एक्सेस टू वर्चुअल मशीन, यू नो, आप जैसे मान लो सपोज यू हैव टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो एनवायरमेंट आता है वो एनवायरमेंट कॉस्टली है, राज आपकी क्वेरी है, और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो कॉस्ट आता है वो बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंट में आपको बहुत पैसा लगाना होगा। आप कहते हैं मैं अपना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे को किराए पे मिल जाए, कोई वेंडर मुझे प्रोवाइड कर दे। तो वेंडर कहता है हाँ आप किस लैंग्वेज में कोड करना चाहते हैं, आप आइए हम आपको एनवायरमेंट देंगे। आप कहते हो मेरे को जावा में कोडिंग करनी है, सो दे विल गिव यू ऑल ऑफ द फैसिलिटीज। आपको कुछ नहीं करना है, अपने ब्राउजर से लॉग इन करिए, ब्राउजर से लॉग इन करेंगे दे विल गेट गिव यू द एक्सेस टू देयर वर्चुअल मशीन। आप उनके वर्चुअल मशीन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उस वर्चुअल एनवायरमेंट में यू कैन गो एंड डेवलप योर सॉफ्टवेयर। आप अपना सॉफ्टवेयर वहां क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। पेपर यूसेज के आधार पर आप वेंडर को पेमेंट कर देते हैं। सो दे गिव यू रूट एक्सेस टू द वर्चुअल मशीन, जहां जाके आप यू कैन डेवलप योर सॉफ्टवेयर, यू कैन डू द कर्नल डेवलपमेंट और यू कैन डू ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्सेज। इसी को रूट एक्सेस कह रहे हैं, ठीक है? डन। तो ये हो गया आपके पांच एप्लीकेशंस। क्या क्या बोलोगे? सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, पोर्टेबल एप्लीकेशन एंड पोर्टेबल वर्क स्पेस। क्लियर है? कितने एप्लीकेशंस हैं अलग? पांच एप्लीकेशंस हैं। डन। क्या क्या बोलोगे? सर्वर कंसोलिडेशन, सेकंड डिजास्टर रिकवरी, थर्ड टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, फोर्थ पोर्टेबल एप्लीकेशन एंड फिफ्थ पोर्टेबल वर्क स्पेस। ओके, कोई भी दिक्कत हो तो पूछते रहना। नाउ वी हैव टू सी द कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। क्या देखना है? कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन देखना है। अब पूरी थ्योरी को अंडरलाइन मत करना, पूरी थ्योरी को कवर भी नहीं करना है, ठीक है ना? जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो रेलेवेंट है, उतना ही एग्जाम में भी लिख के आ जाना है, राइट? और पूरी थ्योरी को हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, देयर आर थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन व्हाट यू हैव टू स्टडी।
Number one is the hardware virtualization. Number two is the network virtualization. And number three is the storage virtualization. HNS, hardware, network and storage. कितने टाइप के वर्चुअलाइजेशन है? तीन टाइप के. क्या क्या बोलोगे? हार्डवेयर, नेटवर्क एंड स्टोरेज. अब हमें करना क्या है? तीनों टाइप के वर्चुअलाइजेशन में हमें एक ही फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है? और थ्योरी पढ़ते वक्त हम इस बात को बिल्कुल ही ध्यान में रखेंगे कि सर हमें एक ही पैटर्न में चलना है, और वो पैटर्न ये है कि हमें वन टू मेनी पे ध्यान देना है, मेनी टू वन पे ध्यान देना है. दो स्टेटमेंट बनेगा, हमारा क्या हो गया, हमारा टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा. सेम फॉर्मूला लगाना है सब पे, वन टू मेनी एंड मेनी टू वन, ठीक है? और आपने तीनों वर्चुअलाइजेशन को समझा हुआ है, आप थ्योरी पे कंसंट्रेट करो और अपने डायग्राम को देखते रहना. सबसे पहले आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. सो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज योर प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन, या हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब सर्वर वर्चुअलाइजेशन, सबका एक ही मतलब है. सर्वर वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन, एक ही मतलब है सबका. हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन और प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन रेफर्स टू, ठीक है, रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ, जरा गौर करना, क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअल मशीन, क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअल मशीन. तो नीचे क्या था? हार्डवेयर प्लेटफॉर्म था, उस पर क्या क्रिएट किया था? वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया था. अपना डायग्राम देखो एक बार, क्या किया था? वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया था. दैट एक्ट्स लाइक, जो काम करता है किस तरह से, दैट एक्ट्स लाइक अ रियल कंप्यूटर विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम. जो किस तरह से काम करते हैं, जैसे कि एक रियल कंप्यूटर हो और उसका अपना क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है. यही तो किया था हमने ना, हमने क्या किया था, वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया था. किस पे? हार्डवेयर पे, फिजिकल सर्वर पे, वर्चुअल सर्वर को क्रिएट कर दिया था. और हर एक वर्चुअल सर्वर अपने आप में एक रियल कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था, सबका ऑपरेटिंग सिस्टम था. सो इट वर्क्स लाइक अ रियल कंप्यूटर विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज योर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन और द प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन. Software executed on these virtual machine is separated from the underlying hardware resources. So that's very obvious. In machine pe jo software execute kiye ja rahe hain, wo hardware se kya hai? Separated hain. Those are not dependent on hardware. Aur isi ko to humne kaha tha, abstraction. So kya kehte hain? Computer that is running Microsoft Windows may host a virtual machine that look like a computer with a Linux operating system. हमने कहा तो कोई कंप्यूटर सिस्टम है जिसपे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, वो किस तरह से काम कर रहा है, वो एक मशीन को होस्ट कर सकता है वर्चुअल को, जिसमें क्या है हमारे पास, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी रन ऑन अ वर्चुअल मशीन. सो यही हमारा एग्जांपल भी था. द बेसिक आइडिया ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज, द बेसिक आइडिया ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज, बेसिक आइडिया क्या है? टू कंसोलिडेट क्या आपने कहा सर? टू कंसोलिडेट, बेसिक आइडिया है कंसोलिडेट करना मेनी स्मॉल फिजिकल सर्वर इनटू, मेनी स्मॉल फिजिकल सर्वर इनटू वन फिजिकल सर्वर, सो दैट द प्रोसेसर कैन बी यूज्ड मोर इफेक्टिवली. सो मेनी फिजिकल सर्वर इनटू वन फिजिकल सर्वर. सो बहुत सारे फिजिकल सर्वर को हम क्या करते हैं, वन फिजिकल सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पी टू पी कहलाता है ये, राइट? अब बताओ मेरे को ये करता कौन है? आप कहते हैं द सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स अ वर्चुअल मशीन ऑन द होस्ट हार्डवेयर इज कॉल्ड एज, सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, हाइपरवाइजर और द वर्चुअल मशीन मैनेजर, हाइपरवाइजर और द वर्चुअल मशीन मैनेजर. तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर जो इसमें यूज होता है उसे हम हाइपरवाइजर कहते हैं. सो मेनी स्मॉल फिजिकल सर्वर कैन बी कॉन्सोलिडेटेड इंटू वन फिजिकल सर्वर, P2P हो सकता है या P2V ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, जिसको फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, दोनों चलेगा, राइट? और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? हाइपरवाइजर को हम यहां यूज कर रहे होते हैं. हाइपरवाइजर कंट्रोल्स द प्रोसेसर, हाइपरवाइजर ही सब सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं. तो हाइपरवाइजर कंट्रोल्स द प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर कॉम्पोनेंट बाय अलाउइंग सेवरल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन द सेम मशीन विदाउट द नीड फॉर अ सोर्स कोड. ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन द मशीन विल अपीयर टू हैव इट्स ओन प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट. ऐसा फील होता है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, उन सबका अपना अपना प्रोसेसर है, अपना मेमोरी है, अपने सारे कॉम्पोनेंट है. वो क्यों होता है? आपको पता है इसका जवाब है, पार्टीशनिंग. इसको कहते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. क्या बोलोगे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब? सो हम कहते हैं सर मेनी टू वन, वन टू मेनी को हम रेफर कर सकते हैं, हाइपरवाइजर का इस्तेमाल होता है, राइट? और हम क्या करते हैं, फिजिकल सर्वर पे वर्चुअल मशीन तैयार कर देते हैं, जो वर्चुअल मशीन अपने आप में एक कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है. हर एक वर्चुअल मशीन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, और जो भी एप्लीकेशंस चलाए जा रहे हैं वहाँ, वो अंडरलाइंग हार्डवेयर से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है. हार्डवेयर मैनेज करने का काम हाइपरवाइजर कर रहा होता है, और हाइपरवाइजर ही डिफरेंट हार्डवेयर का पार्टीशन डिफरेंट वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड करता है.
इसी को कहते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। सेकेंड नाउ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, क्या कहा था हमने, गौर करना। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ कंबाइनिंग अवेलेबल रिसोर्स इन अ नेटवर्क बाय, क्या किया था हमने देखो, स्प्लिटिंग अप द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल्स, स्प्लिटिंग अप द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल्स ईच ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। हर एक चैनल एक दूसरे से क्या था, इंडिपेंडेंट था। एंड ईच ऑफ विच, और वो सारे के सारे चैनल, एंड ईच ऑफ विच कैन बी असाइंड टू अ पर्टिकुलर सर्वर और डिवाइस इन रियल टाइम। सिंगल बैंडविड्थ कैन बी स्प्लिटेड, अ सिंगल बैंडविड्थ कैन बी ब्रोकन इनटू मल्टीपल चैनल्स वेयर ईच चैनल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दोज चैनल्स कैन बी असाइंड टू डिफरेंट सर्वर्स। तो अगर मेरे पास तीन सर्वर था तो सिंगल बैंडविड्थ को हमने तीन चैनल में ब्रेक किया और तीनों चैनल को हम तीन सर्वर को असाइन कर सकते हैं इन रियल टाइम। हमने कहा सर ये क्लियर कट केस है किसका, वन टू मेनी का। सेकेंड देखना, दिस अलाउ अ लार्ज फिजिकल नेटवर्क टू बी प्रोविजन्ड इनटू मल्टीपल स्मॉलर लॉजिकल नेटवर्क। बताओ क्या हो गया, लार्ज फिजिकल नेटवर्क को छोटे छोटे स्मॉलर लॉजिकल नेटवर्क में आपने तोड़ा तो इसको क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे जल्दी बताओ। आप कहते हैं सर इसको हम क्या बोलेंगे, हम कहते हैं सर इसको हम बोलेंगे वन टू मेनी। क्या बोलेंगे, वन टू मेनी। कन्वर्सली उल्टा करो, अलाउ मल्टीपल फिजिकल लैन टू बी कंबाइंड इनटू अ लार्ज लॉजिकल नेटवर्क। क्या बोलोगे, मेनी टू वन। तो वन लार्ज फिजिकल लैन इनटू अ स्मॉलर लॉजिकल नेटवर्क, मल्टीपल फिजिकल लैन टू अ लार्ज लॉजिकल नेटवर्क, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। वन टू मेनी इज पॉसिबल, मेनी टू वन इज पॉसिबल। मैंने आपको कहा था मेनी टू वन, वन टू मेनी पकड़ के रखो, आपको इसकी थ्योरी में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या होता है भाई, तो आप कहते हैं सर ट्रैफिक कंट्रोल इंप्रूव होगा, इंटरप्राइज एंड सिक्योरिटी इंप्रूव होगा। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन ऑफन कंबाइंड विद रिसोर्स वर्चुअलाइजेशन, तो सब कंबाइंड फॉर्म भी यूज हो सकता है। ऑप्टिमाइज नेटवर्क स्पीड, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, दीज आर द बेनिफिट्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। थर्ड आई स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, फिर से वही बात है ना, देखना स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इज द एपरेंट, गौर करना, पूलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस। क्या बोलोगे, ये क्या हो गया बताओगे, कोई बता सकता है मेरे को, पूलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस क्या हो गया, ये पूलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, और जो डिवाइसेस डिफरेंट हो सकते हैं, इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इनटू व्हाट अपीयर्स टू बी अ सिंगल डिवाइस दैट इज मैनेज्ड फ्रॉम अ सेंट्रल कंसोल। क्या हुआ बालक, हम कह रहे हैं सर ये क्लियर कट केस है किसका, मेनी टू वन का। हम क्या कह रहे हैं, पूलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस इनटू अ सिंगल डिवाइस दैट इज मैनेज्ड फ्रॉम अ सिंगल कंसोल। तो आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस से डेटा पूल कर रहे हैं सिंगल डिवाइस में, और आप उसको क्या कह सकते हो, मेनी टू वन कह सकते हैं, है ना, मेनी टू वन कह सकते हैं। देख लो सारा थ्योरी किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वन टू मेनी, मेनी टू वन, यही करना है आपको एग्जाम में, दो ही पॉइंट को याद रखना है, मेनी टू वन, वन टू मेनी, और दो बार थ्योरी पढ़ लेना, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको इस टॉपिक में। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हेल्प टू स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म द टास्क ऑफ बैकअप, आर्काइविंग एंड रिकवरी मोर इजीली एंड इन लेस टाइम, ठीक है। Administrator can implement virtualization with software application or by using hardware and software hybrid appliances. The server connected to the storage system aren't aware of where the data really is. हाँ ना, तो ध्यान में रखना, same चीज़ है। Administrator can implement virtualization. Virtualization कैसे implement होता है? तो आप कहते हैं with software applications or by using hardware and software hybrid applications. हाँ ना, दोनों के mixture का इस्तेमाल हो सकता है। Server जो होता है, server को पता नहीं होता है exactly data कहाँ है।
ना, किसी को पता नहीं होता है डेटा कहाँ है। आपने फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट किया, आपको पता है आपका डेटा कहाँ है ना। हम कहते हैं सर किसी को पता नहीं होता है डेटा कहाँ है, राइट। और इसका कहते क्या है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन समटाइम डिस्क्राइब्ड एज एब्स्ट्रैक्टिंग द लॉजिकल स्टोरेज फ्रॉम द फिजिकल स्टोरेज। हम कहते सर ये हमारा डेफिनेशन ही था ना डेफिनेशन। हाँ बोल दो एक बार, था ना डेफिनेशन यही था ना, एब्स्ट्रैक्टिंग द लॉजिकल स्टोरेज फ्रॉम द फिजिकल स्टोरेज। हम कहते सर हमारा डेफिनेशन ही यही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सबके लिए अप्लाई हो सकता है, क्योंकि हमने कहा था एब्स्ट्रैक्टिंग द लॉजिकल फॉर्म फ्रॉम द फिजिकल फॉर्म, ये मेरा डेफिनेशन था। ये डेफिनेशन नेटवर्क पे भी लगेगा, स्टोरेज पे भी लगेगा, हार्डवेयर पे भी लगेगा। ये डेफिनेशन तो हर एक जगह अप्लाई हो सकता है। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो ये था आपका वर्चुअलाइजेशन। आ जाओ नेक्स्ट, ग्रिड कंप्यूटिंग। नाउ आई नीड योर अटेंशन, ठीक है, चलते हैं सेकंड पे। सेकंड इज योर ग्रिड कंप्यूटिंग। तो कितने टाइप हो गए बालक, तो तीन टाइप हो गए, है ना। कितने एप्लीकेशंस हो गए, तो पांच एप्लीकेशंस हो गए, थ्री टाइप्स एंड फाइव एप्लीकेशंस, थ्री टाइप्स एंड फाइव एप्लीकेशंस। सो वी विल गो टू व्हाट, ग्रिड कंप्यूटिंग। नाउ डन, ग्रिड क्या होता है, ग्रिड को समझिए। देखो बालक, एक डायग्राम बनेगा और अगला 10-15 मिनट आपके लिए बहुत क्रूशियल है, ट्रस्ट में। अगले 10-15 मिनट तक आप ध्यान से मेरी बात सुनते रहो, एक एक पॉइंट पे फोकस करके रखो, एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान से देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको थियरी यू लर्न होगा, मतलब टेंशन ही नहीं है थियरी में फिर, राइट। अगर आप मिस करोगे, कंसंट्रेशन ब्रेक करोगे अपना, तो थ्योरी आपको याद करना पड़ जाएगा। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, है ना, प्रिकॉशन। क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ग्रिड है क्या। तो ग्रिड को अगर हमें समझना है, राइट, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रिड में, अच्छा, ग्रिड से रिलेटेड जितने थ्योरी हैं उनका मेजॉरिटी पार्ट मैं आपको डायग्राम पे ही शो करूंगा। एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा आ सकता है आपको थ्योरी में, बट ज्यादातर चीजें आपको डायग्राम पे दिख जाएंगी, लॉजिकली आप उसको क्या कर पाओगे, देख पाओगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग को, और हम नोट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। We'll put a note section here. Grid computing की बात करते हैं। देखो computing की बात जब करते हैं ना, so गौर फरमाइएगा। Computing जो होता है, computing क्या होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं सर computing का मतलब होता है processing। तो computing जो होता है ये दो तरह से किया जा सकता है। एक होता है हमारा centralized computing और एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखना चाहें, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार उसको रिकॉल कर लो जो आपने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब मैं आपको डेवलपमेंट साइकिल बता रहा था। सिंगल टायर, टू टायर, थ्री टायर से पहले मैंने आपको मेन फ्रेम आर्किटेक्चर बताया, और फिर मैंने आपको बताया कि पीसी का जमाना आया, पर्सनल कंप्यूटर्स का। मेन फ्रेम आर्किटेक्चर में मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास ही सारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी थी, और बाकी के टर्मिनल्स क्या होते थे, डम टर्मिनल्स होते थे। तो हमारा जो प्रोसेसिंग था पूरी तरह से सेंट्रलाइज था, हम एक ही जगह क्या करते थे, प्रोसेसिंग कराते थे, राइट। तो कुछ अगर इस तरह का हम सिस्टम बनाते हैं, जैसे मान लो कि अगर मान लो मेरे पास एक सेंट्रल कंप्यूटर है इस तरह से, और मेरे पास एक सेंट्रल कंप्यूटर है, राइट, और इस सेंट्रल कंप्यूटर से हमने क्या कर रखा है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है इस तरह से। लेकिन कंडीशन ये है हमारा कि ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, ये दीज आर कंप्यूटर्स आर जस्ट द टर्मिनल्स, ये क्या है, टर्मिनल्स हैं, और इनमें ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है, लो कॉस्ट कंप्यूटर है, राइट। और सस्ते कंप्यूटर्स लगा रखे हैं हमने, जो तीन लगाए हैं नीचे, सस्ते कंप्यूटर्स हैं, लो कॉस्ट कंप्यूटर्स हैं, इनमें ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है। और हम क्या करते हैं कि सारे प्रोसेसिंग को यहीं से परफॉर्म कराते हैं। ऑल प्रोसेसिंग इज डन बाय द सेंट्रल मशीन। हमने क्या किया, सारे प्रोसेसिंग को यहीं से परफॉर्म कराया। तो जब मेरे को प्रोसेसिंग को परफॉर्म कराना था, इसका मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ वी हैव द सीपीयू, है ना, वी हैव द रैम, हमारे पास सीपीयू है, हमारे पास रैम है, और इस तरह से हमारे पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। हमारे पास स्टोरेज है, इस तरह से हमारे पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये जो डिवाइसेज हैं, दीज आर जस्ट द टर्मिनल्स। हमने कहा सर ये जो डिवाइसेज हैं, दीज आर जस्ट द टर्मिनल्स, और इनके पास हमने प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं दी है।
दीज आर जस्ट द टर्मिनल्स. तो टर्मिनल्स का काम है इनपुट देना, आउटपुट लेना. टर्मिनल की मदद से यूजर क्या करता है, सिस्टम को इनपुट देता है, सिस्टम से आउटपुट लेता है, और सारी की सारी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, हमारे सेंट्रल सर्वर पे हो रही है. तो ऐसे कंप्यूटिंग को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग. क्या कहते हैं इसको? सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग कहते हैं. क्यों कहते हैं सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग? तो हम कहते हैं सर दिख गया हमें, दिख गया ना आपको क्यों कहते हैं सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग. आपने कहा सर इसलिए कहोगे आप इसको सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज हो रहा है और एक ही मशीन पे सर्वर पे आप क्या कर रहे हैं, सारी प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर रहे हैं. And that is why it is called as what? Centralized computing. तो ये हो गया आपका क्या? Centralized computing, right? अब जरा गौर करो, इसका काउंटर पार्ट क्या होता है? इसका काउंटर पार्ट ऐसा होता है कि जब पीसी आया, पीसी आने के बाद सिनेरियो थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया. और हम जानते हैं जो पीसीज होते हैं, पीसीज आर कैपेबल टू डू एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग. हमने कहा जो सर जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स क्या करते हैं, किसी भी तरह के प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं. दे हैव ऑल द रिसोर्सेज जिसकी मदद से प्रोसेसिंग की जा सकती है. दे हैव ऑल द रिसोर्सेज जिसकी मदद से प्रोसेसिंग की जा सकती है, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, या डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है. डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड आर द सेम थिंग. सो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड में हम क्या कहते हैं कि सर अब हम प्रोसेसिंग को एक जगह सेंट्रलाइज नहीं करते, हम प्रोसेसिंग को एक जगह सेंट्रलाइज नहीं करते और प्रोसेसिंग को हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो अब मान लो मेरा ये एक सर्वर है, मेरा ये एक सर्वर है, और इस तरह से हमने क्या किया, हमारे डिफरेंट मशीन को हमने कनेक्ट कर दिया, इस तरह से हमने डिफरेंट मशीन को कनेक्ट कर दिया वालक, है ना. तो अब हम कहते हैं कि सर अब अगर इसके पास सीपीयू है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास सीपीयू नहीं है, इसके पास भी सीपीयू है, इसके पास भी सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके पास भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके पास भी रैम है सर, इसके पास भी रैम है, इसके पास भी रैम है, इसके पास भी रैम है, और इसके पास तो रैम है ही. साथ ही साथ अगर इसके पास स्टोरेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के पास स्टोरेज नहीं है, सर इसके पास भी स्टोरेज है, इसके पास भी स्टोरेज है, और इसके पास भी क्या है, स्टोरेज है. तो यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो आप कहते हो सर मैं ये कहना चाह रहा हूं तीनों ही मशीन अपनी अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए पूरी तरह से क्या है, सक्षम है, पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से कैपेबल है कि वो अपनी अपनी प्रोसेसिंग कर सकता है. तो हम कहते हैं सर हम ऐसा करते हैं कि कुछ प्रोसेसिंग यहां कराएंगे, कुछ प्रोसेसिंग हमारा सर्वर कर देगा, और कुछ प्रोसेसिंग हम अपने क्लाइंट पे करा लेंगे. तो प्रोसेसिंग को हमने क्या किया, सर्वर एंड क्लाइंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि पीसी आया और हर एक पीसी में प्रोसेस करने की ताकत होती है. तो प्रोसेसिंग क्या हो गया बालक? तो आप कहते हैं सर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. प्रोसेसिंग क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि हर एक कंप्यूटर के पास प्रोसेसिंग का पावर है, तो हर एक कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग खुद कर सकता है. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब जरा गौर करो, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का ही एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम ग्रिड कंप्यूटिंग कहते हैं. तो पहली बात, ग्रिड का सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग से कोई लेना देना नहीं है. ग्रिड का सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग से कोई लेना देना नहीं है. ग्रिड बेसिकली एक स्पेशल टाइप है किसका? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का. ग्रिड कंप्यूटिंग एक स्पेशल टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का. तो आप क्या कहते हैं कि सर ग्रिड कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का क्या है? एक स्पेशल टाइप है. तो आप यहां कह सकते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या प्रोसेसिंग का एक स्पेशल टाइप है आपका ग्रिड कंप्यूटिंग. ठीक है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या होता है और इसको हम क्या करते क्या है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ऐसा क्या चेंज आता है जिसके लिए हम इसको स्पेशल टाइप कह दे रहे हैं, इस बात को हमें समझना होगा, है ना. इसी बात को हमें समझना होगा. तो पहले बात बताओ, क्या ग्रिड सेंट्रलाइज्ड है? तो आप बोलोगे ना कतई ही नहीं, ग्रिड सेंट्रलाइज्ड तो है ही नहीं, ग्रिड कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड है. और इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब सारे मशीन की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी का क्या होने जा रहा है, यूज होने जा रहा है ना. तो अब हम कहते हैं सर ये कैसे होगा? तो आप कहते हैं क्यों ये स्पेशल टाइप है, तो जरा इस बात को समझो. इन ग्रिड में क्या हो सकता है, एक लाइन में यहां मेंशन कर देना,
इन ग्रिड ईच डिवाइस, ग्रिड पे जो भी कंप्यूटर है, जो भी कंप्यूटर है ग्रिड पे, ईच डिवाइस कैन यूज एवरी अदर डिवाइस, कैन यूज रिसोर्सेज ऑफ ईच डिवाइस. Each device can use resources of बदमाशी कर रहा है, देख रहे हो. Can use resources of every other device on the network या on the grid. तो उस grid network पे जो भी device है, वो हर एक दूसरे device को क्या कर सकता है, go के resources को access कर सकता है. In grid, each device can use resources of every other device on the network. कहने का मतलब ये है कि मान लो ये कंप्यूटर नंबर वन है, ये कंप्यूटर नंबर टू है, कंप्यूटर नंबर थ्री है, कंप्यूटर नंबर फोर है. तो डिस्ट्रीब्यूटेड में हमने ये कहा कि हर एक कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग कर लेगा, कंप्यूटर नंबर वन अपनी प्रोसेसिंग कर लेगा, टू अपनी करेगा, थ्री अपनी करेगा. लेकिन ग्रिड में हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर नंबर वन जो है वो कंप्यूटर नंबर टू थ्री फोर तीनों के सीपीयू को यूज कर सकता है. कंप्यूटर नंबर टू जो है वो कंप्यूटर नंबर वन थ्री फोर तीनों के सीपीयू को यूज कर सकता है, एंड सो ऑन. तो यहां क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर का रिसोर्स हर एक दूसरे कंप्यूटर के लिए अवेलेबल होता है. और इसीलिए आपने ये कहा कि ग्रिड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वेयर एनी कंप्यूटर ऑन ग्रिड मे एक्सेस रिसोर्सेज ऑफ एनी अदर कंप्यूटर ऑन द ग्रिड. यानी कि अगर आप ग्रिड के मेंबर हैं और आपका सीपीयू मान लो बिजी है, आपको सीपीयू का एक्सेस चाहिए, तो आप ग्रिड के किसी भी मशीन के सीपीयू का एक्सेस ले सकते हैं. अगर आप ग्रिड पे हैं और आपको स्टोरेज चाहिए, तो ग्रिड के किसी भी मशीन का आप स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट कैन बी डन. इसका मतलब क्या हुआ, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो गया, है ना. आप क्या कहते हो कि सारे रिसोर्सेस को सर यूज कर पाएंगे हम. अगर एक ग्रिड में 50 कंप्यूटर्स हैं, तो 50 कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज कभी खाली नहीं रहेंगे, अंडर यूटिलाइज नहीं रहेंगे, अनयूटिलाइज नहीं रहेंगे. कोई दूसरा मशीन जो बिजी होगा वो उसके रिसोर्सेज को यूज कर लेगा, ओवरऑल कैपेसिटी आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी. सो ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ काइंड ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. ये किस तरह का कंप्यूटिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, जहां ग्रिड पे के जो मशीन्स हैं वो कोई भी मशीन किसी भी मशीन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है. ये क्लियर हुआ, बोलो यस, तो मैं आगे बढ़ूं. ये क्लियर हो गया सबका, बेसिक आइडिया क्लियर हुआ, ग्रिड है क्या. तो क्या बोला आपने कि सर ग्रिड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड का एक टाइप है, जहां हर एक मशीन ग्रिड पे, ग्रिड का हर एक मशीन हर एक दूसरे मशीन को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं ग्रिड में. एक होता है ग्रिड का मालिक, जिसने ग्रिड बनाया, ग्रिड का एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं उसको. तो एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर और एक होता है यूजर. एडमिनिस्ट्रेटर उसको कहते हैं जिसने ग्रिड को एस्टैब्लिश किया, जो ग्रिड को मैनेज करेगा, जिसने ग्रिड को बनाया. एंड दूसरा होता है यूजर. यूजर क्या कर सकता है, ग्रिड का मेंबर बन सकता है. और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, यूजर का अपना पर्पस होता है. And you may become a member of a grid, right? आप grid के क्या बन सकते हैं, member बन सकते हैं. Multiple purposes के लिए grid को बनाया जाता है, multiple purposes के लिए grid को बनाया जाता है. तो हम कहते हैं सर एक तो होता है हमारा administrator, एक क्या होता है administrator. तो basic structure मुझे बनाने दो पहले, उसके बाद आप basic structure बना लेना, थोड़ा सा दाएं बाएं होगा इसलिए कह रहा हूं. तो एक क्या होता है administrator होता है. Administrator वो होता है जिसने grid को डेवलप किया हो, जिसने ग्रिड को डिजाइन किया हो. अब मान लो हमारे पास एक ग्रिड है और लेट से दिस इज आर ग्रिड, जहां हमारे पास हमारे पास सेंट्रल सर्वर है, हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, और जो सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक ग्रिड को फॉर्म कर रहे हैं. हमने इसको इस तरह से कैजुअल वे में कनेक्ट कर देते हैं इसको, और हम कहते हैं सर ये जो है ये मेरा ग्रिड है, ये जो है ये मेरा ग्रिड है. अब जरा देखना,
इस ग्रिड को स्टैब्लिश करने का काम, इस ग्रिड को स्टैब्लिश करने का काम, इस ग्रिड को मैनेज करने का काम, इस ग्रिड के सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम, ठीक है, इस ग्रिड का सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इस ग्रिड का सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो आपको नहीं पढ़ना है। तो मैं बस आपको उतनी चीजें बताऊंगा जिससे हमारे को फायदा मिल जाए, ठीक है। तो ये कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका काम होता है इस ग्रिड के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को लगाना, इस ग्रिड के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, ग्रिड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और ग्रिड में ये एज अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी काम करता है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, वी विल डिस्कस इट। सो ग्रिड की अपनी सिक्योरिटी होती है, पहली चीज जो आपको दिमाग में रखना है कि हर एक ग्रिड की अपनी सिक्योरिटी होती है। ग्रिड को सिक्योर रखना क्यों जरूरी है? ग्रिड को सिक्योर रखना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कोई अनऑथराइज यूजर इस ग्रिड को पेनेट्रेट करने की कोशिश करे, हो सकता है कोई, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है ग्रिड में, कि ग्रिड के केस में हर एक डिवाइस हर एक दूसरे डिवाइस के रिसोर्सेस को यूज करता है। ऐसे में हैकर तो चाहेगा कि वो भेस बदल के क्या करे, ग्रिड में एंटर करे और अनऑथराइज वे में रिसोर्सेस को एक्सेस करे, राइट? तो अगर इस कंप्यूटर के कुछ रिसोर्सेज है, जैसे हमने कहा इस कंप्यूटर के पास सीपीयू है, इस कंप्यूटर के पास स्टोरेज है, इस कंप्यूटर के पास अदर रिसोर्सेज है, तो ये सबके सब जो कंप्यूटर होते हैं, ये सबके सब एक दूसरे के रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सबका रिसोर्स सबके लिए क्या है बालक? तो आप कहते हैं सर अवेलेबल है। सबका रिसोर्स सबके लिए क्या है? अवेलेबल है। और हर एक कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेस को क्या कर सकता है? यूज कर सकता है, सब्जेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी, सब्जेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी। तो हम कहते हैं सर हैकर वगैरह तो अटेम्प्ट कर सकता है इसको पेनिट्रेट करने का, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? ग्रिड लेवल सिक्योरिटी होता है। क्या होता है? ग्रिड लेवल सिक्योरिटी होता है। सेकेंड जो पार्टिसिपेंट है, अब मान लो आप इस ग्रिड का मेंबर बनना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो आपने कहा, आपने एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट किया और एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब मैं इस ग्रिड का मेंबर बनना चाहता हूं, आई एम अ यूजर और आई वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस ग्रिड, राइट? आप ग्रिड का मेंबर बनना चाहते हैं, तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो मुझे बताओ यूजर किससे रिक्वेस्ट करेगा? तो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर से रिक्वेस्ट करेगा। जैसे ही आपने एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वेस्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटर आपसे कहता है कि ठीक है मैं आपको मेंबर बना सकता हूं ग्रिड का, लेकिन उसके लिए आपको डोनेशन देना होगा। क्या कहते हैं? आपको डोनेशन देना होगा। आप बोलोगे डोनेशन, किस चीज की डोनेशन की बात कर रहे हो आप, कितने पैसे चाहिए? तो एडमिनिस्ट्रेटर कहता है नहीं, हम पैसे वैसे की बात छोड़ो, डोनर आपको बनना होगा, आपको डोनेट करना होगा अपने रिसोर्सेस को। आपने बोला मतलब? तो वो कहता है कि आप ग्रिड का मेंबर क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए ना कि आप दूसरे मशीन्स के रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो जिस तरह से आपके लिए दूसरे मशीन के रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने रिसोर्सेज को डोनेट करना होगा। सो ग्रिड में मेंबर मैं आपको तभी बनाऊंगा जब आप अपने रिसोर्सेज को क्या करो, डोनेट करो। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि आप क्या बनो, डोनर बनो। आप क्या बनो? डोनर बनो। डोनर बनो मतलब आप कहते, आपको क्या कहा जा रहा है? आपको डोनेट करने को कहा जा रहा है। क्या डोनेट करने को कहा जा रहा है? तो आप कैसे कहते हैं सर हम, मुझे तो डोनेट करने को कह रहा है कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। आपको वो कह रहा है कि आप अपने कंप्यूटेशनल पावर को डोनेट करो, आप अपने कंप्यूटेशनल पावर को डोनेट करो, बोले तो सीपीयू। वो कह रहा है आप अपने स्टोरेज को डोनेट करो, एंड सो ऑन। अगर आप इन रिसोर्सेज को डोनेट करने को तैयार हैं तो हम आपको मेंबर बना देंगे ग्रिड का। तो जैसे डोनेट करने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से आपके लिए दूसरे के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी तरह से आपके रिसोर्स भी दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। आपने कहा ठीक है मैं आपको डोनेट कर दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, मैं अगर अपना रिसोर्सेज आपको डोनेट कर देता हूं, मेरे को कुछ काम करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा? मेरे को कुछ इमरजेंसी आ गई, उसमें आपके ग्रिड के किसी कंप्यूटर का कोई रिसोर्स खाली नहीं रहा, तब तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर कहता है नहीं ऐसा मत करो, आप सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अपने लिए रिजर्व रख लो, कंप्यूटेशनल पावर स्टोरेज आप अपने लिए रिजर्व रख लो कि आपको कितने की जरूरत हो सकती है, और बाकी जो बच रहा है वो आप डोनेट कर दो। तो जो आपका रिजर्व्ड है वो रिजर्व्ड कभी भी ग्रिड के लिए अवेलेबल नहीं होगा, वो आपके पर्सनल यूज में ही काम आएगा, उसको ग्रिड एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपने कहा फिर हाँ अब ठीक है, आपने कहा अब ठीक है, मैंने अपना क्या किया, कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व में रखा और बाकी रिसोर्सेज को मैं डोनेट करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही हम डोनर बने वो हमें मेंबर बनाएगा ग्रिड का।
और जब ग्रिड का मेंबर बनने की बात आती है तो अब ग्रिड को एक्सेस करने के लिए अब यहां आपका एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, ये हो गया आपका ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटर, वही हुआ ना जो यहां था। ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, आपको ग्रिड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। उस सॉफ्टवेयर को क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल कर देना है। ये वो सॉफ्टवेयर होगा जिसके मदद से आप ग्रिड को एक्सेस कर पाओगे, अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर पाओगे। सो ग्रिड सॉफ्टवेयर आर प्रोवाइडेड बाय व्हाट, द एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको ग्रिड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया, वो सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया तो आप कहते हैं ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटर को, भाई साहब लॉगिन कैसे करेंगे, आपका ग्रिड तो मुझे लॉगिन नहीं दे रहा है। तो एडमिन कहता है चिंता मत करो, मैं आपको दे रहा हूं। और एडमिन आपको क्या करेगा, आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा, जिस आईडी एंड पासवर्ड की मदद से यू कैन इजिली लॉग ऑन टू द ग्रिड। तो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, आपको आईडी पासवर्ड मिल गया, और जैसे ही आईडी पासवर्ड मिल गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आप क्या बन गए, ग्रिड के मेंबर बन गए। यहां तक क्लियर है सबका? क्लियर है सबका? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? तो क्या किया एडमिनिस्ट्रेटर ने, सॉफ्टवेयर दे दिया ग्रिड सॉफ्टवेयर, आईडी पासवर्ड दे दिया किसे, यूजर को। अब यूजर क्या हो गया, मेंबर बन गया किसका, ग्रिड का। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, सॉफ्टवेयर्स आते हैं बहुत महंगे, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, बड़े महंगे आते हैं ग्रिड सॉफ्टवेयर। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि यार यहां मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 कंप्यूटर है, और 5 सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए गए, मान लो एक सॉफ्टवेयर ना फॉर एग्जांपल मान लो 2 लाख रुपए का आया, तो 5 सॉफ्टवेयर में एडमिनिस्ट्रेटर कहता है मेरा तो 10 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटर सोचता है कि ऐसे क्या करें फिर, मतलब प्रॉब्लम है ये, तो अगर मेरा 5 कंप्यूटर है और 5 कंप्यूटर पर अगर मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराता हूं इस तरह से, तो मेरा तो बहुत खर्चा हो जाएगा। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी ये कहती है कि चलो एक अरेंजमेंट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी कहते हैं चलो एक अरेंजमेंट कर लेती है। क्या अरेंजमेंट करती है, ध्यान से सुनना। सॉफ्टवेयर कंपनी कहती है कि देखो वो जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है सिंपल सा, कि तुम्हारे 5 कंप्यूटर ना एक साथ यूज नहीं होंगे, गलत फहमी में मत रहो, तुम्हारे 5 कंप्यूटर एक साथ यूज नहीं होंगे। अगर तुम्हारे ग्रिड में 50 कंप्यूटर हैं तो 50 कंप्यूटर एक साथ यूज नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि उस समय कोई 10 कंप्यूटर यूज हो रहा हो सकता है कोई 20 कंप्यूटर यूज हो रहा हो, है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंप्यूटर एक साथ फुल कैपेसिटी पे यूज हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो एडमिन कहता है क्या आइडिया क्या है तुम्हारा। तो सॉफ्टवेयर कंपनी कहती है कि इस एग्जांपल में कि तुम्हारे पास 5 कंप्यूटर हैं, मैं तुम्हें 5 सॉफ्टवेयर देता हूं, तुम 5 कंप्यूटर पे अपने सॉफ्टवेयर 5 सॉफ्टवेयर क्या करो, इंस्टॉल कर दो, डन। लेकिन मैं तुमसे पैसे 3 सॉफ्टवेयर का ही लूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है मतलब, तो कंपनी कहती है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें मैंने 5 कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दिया, पैसे मैंने सिर्फ 3 से ही लिए हैं, 3 का ही लिया है। इसका मतलब यह है कि एट ए टाइम सिर्फ 3 कंप्यूटर चलेगा, एट ए टाइम क्या होगा, सिर्फ 3 कंप्यूटर चलेगा। तो अगर मान लो मेरा 200 कंप्यूटर का ग्रिड है, तो मुझे सॉफ्टवेयर वाले ने कंपनी ने क्या किया, 200 सॉफ्टवेयर दे दिए, मैंने 200 लाइसेंसेस को इंस्टॉल कर दिया 200 अलग अलग कंप्यूटर्स पे। मुझे पता है कि एट ए टाइम 100 कंप्यूटर ज्यादा चलना नहीं है, और मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर कंपनी को सिर्फ 100 सॉफ्टवेयर का पेमेंट किया, और लेकिन कंडीशन ये है कि एक बार में क्या होगा, 100 सॉफ्टवेयर ही चलेगा। तो ये तो मुझे पता है कि फुल कैपेसिटी पे मेरा ग्रिड कभी यूज नहीं होगा। तो सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर अरेंजमेंट इज डन, ताकि कॉस्ट को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। याद रहेगा आपको, आप क्या कहते हैं, सारे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, बट एट ए टाइम कुछ ही कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। अब देखो क्या हुआ, एज अ यूजर जब आपको, एज अ यूजर जब आपको मान लो कोई प्रोसेसिंग करनी है, और कोई प्रोसेसिंग करने के लिए आपको किसी तरह का स्टोरेज चाहिए, किसी तरह का स्टोरेज सीपीयू या किसी तरह का रिसोर्स चाहिए, तो आप यहां क्या करते हैं, आपने ग्रिड पे लॉग इन किया, ग्रिड पे लॉग इन करने के बाद आप क्वेरी करते हैं रिसोर्सेस के लिए। ऐसे समझो कि यहां से इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर से पूछा कि क्या तुम्हारा सीपीयू खाली है, यूजर ने यहां से कंप्यूटर ने इसको पूछा कि क्या तुम्हारा सीपीयू खाली है। अब हो सकता है कि यह जवाब दे कि नहीं भाई साहब मेरा सीपीयू खाली नहीं है, मैं बिजी हूं, तो उस कंडीशन में दूसरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि क्या तुम्हारा रिसोर्स खाली है।
अगर ये कंप्यूटर कह देता है कि हाँ मेरा क्या है, मेरा रिसोर्स खाली है, तो उस कंडीशन में यहां से यूजर के जॉब को, इस कंडीशन में यहां से यूजर के जॉब को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस कंप्यूटर पे, एंड ऑन दैट कंप्यूटर यूजर्स जॉब कैन बी प्रोसेस्ड। यूजर का जॉब कहां चला गया? आप कहते हैं सर यूजर का जॉब को आपने कहां भेज दिया, आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया उस कंप्यूटर पे जिसका रिसोर्स खाली था, और उस रिसोर्स पे क्या होता है, वो पर्टिकुलर जॉब यू नो प्रोसेस हो रहा होता है। तो आप कहते हैं सर ये काम तो इसका था, मैं कहूंगा हाँ। बोल रहे हो यहां रहा है, हम बोलूंगा हाँ। तो सर क्या ये मॉनिटर नहीं करेगा क्या प्रोग्रेस को? मैं कहता मैं कहां मना कर रहा हूं, सर्टेनली उसके लिए हमारे पास क्या होंगे, टूल्स अवेलेबल होंगे जिन टूल्स की मदद से ये क्या कर सकता है, इसको प्रोग्रेस को, जो जॉब प्रोसेसिंग का प्रोग्रेस है, जो टास्क प्रोसेसिंग का प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस को वो इजीली क्या कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। तो आप कहते हैं सर तो बड़ी अच्छी बात है, उसने क्या किया, मॉनिटर कर लिया प्रोग्रेस को, राइट। तो सपोज यू, जब हम ग्रिड इनेबल्ड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना, ग्रिड ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो उसमें यही खासियत होती है कि मल्टीपल कोड्स कैन बी रन ऑन मल्टीपल मशीन्स, और साइमल्टेनियसली क्या किया जा सकता है, प्रोसेसिंग की जा सकती है। अब जरा गौर करो क्या हो क्या रहा है, आपको क्या मिल रहा है बेसिकली। देखो एक सीपीयू यहां है, 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 है ना। तो आपको क्या मिल रहा है, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी यू कैन यूटिलाइज। सो अगर ग्रिड एनेबल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं तो सॉफ्टवेयर के मान लो पांच कॉम्पोनेंट है, तो पांच कॉम्पोनेंट पांच कंप्यूटर्स पे चल रहे हैं, पांच एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, पांच कंप्यूटर्स पे एक साथ चल रहे हैं। इसका मतलब क्या मिल रहा है आपको, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी मिल रहा है, जहां आप मल्टीपल सीपीयू को पैरेलल में यूज कर पाते हैं। इसी को बालक कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग, दिस इज कॉल्ड एज ग्रिड कंप्यूटिंग। वी हैव टू सी सर्टेन एस्पेक्ट्स, जैसे हमें ग्रिड के रिसोर्सेज को समझना है कि ग्रिड पे किस तरह का रिसोर्सेज है हमारे पास, आपके सामने है ग्रिड पे, आपके पास स्टोरेज है ग्रिड पे, आपके पास सॉफ्टवेयर्स है ग्रिड पे, आपके पास क्या है, कंप्यूटेशनल पावर है ग्रिड के, ग्रिड पे आपके पास कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, राइट। सो अगर ग्रिड के रिसोर्सेज की बात करें तो इनके अलावा बैंडविड्थ भी आपको ग्रिड पे शेयर होता है। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोरेज ही होता है, बल्कि बैंडविड्थ की भी शेयरिंग होती है। तो जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज में बैंडविड्थ भी आता है। तो अगर आप रिसोर्सेज की बात करो, मैं आपसे पूछूं क्या क्या रिसोर्स आपको दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर हमें दिख रहा है स्टोरेज एज अ रिसोर्स, हमें दिख रहा है बैंडविड्थ एज अ रिसोर्स, हमें दिख रहा है कंप्यूटेशनल पावर एज अ रिसोर्स, हमें दिख रहा है सॉफ्टवेयर एज अ रिसोर्स, हमें दिख रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट एज अ रिसोर्स, दिख रहा है ना। अगर मैं आपसे पूछूं क्या फायदे हो रहे हैं, तो आप कह रहे हो सर पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, किसी भी सिस्टम का जो रिसोर्स है वो अंडर यूटिलाइज्ड नहीं है, अनयूटिलाइज्ड नहीं है, हम सारे रिसोर्सेज का क्या कर पा रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है सर हमें, कोई भी रिसोर्स को एक साथ यूज कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का केस हमें यहां देखने को मिल रहा है। सो बहुत सारे बेनिफिट्स क्लियरली क्या हो सकते हैं, यहां से देखे जा सकते हैं। इसी को कहा जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग। डायग्राम को क्लीन रखते हैं, इस पे ज्यादा मार्किंग हम मैं नहीं करूंगा, नोट सेक्शन को क्लोज कर दो। बात आई समझ में, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन, कहीं कोई दिक्कत तो बताओ फटाफट, ठीक है। अब आ जाओ एक चीज को समझ लो, सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होता है। यहां से इस यूजर ने, यूजर एक्स है ठीक है, इस यूजर ने इस सिस्टम को, मान लो ये वाई है, तो एक्स सिस्टम ने वाई सिस्टम को अटेम्प्ट किया एक्सेस करने का, किया, इसको पूछा क्या तुम्हारा रिसोर्स खाली है। वाई कैसे समझेगा कि एक्स जेन्युइन है, हैकर नहीं है, कैसे समझेगा? अब आप कहते हो सर ये बात तो सही है, कि अब वाई को कैसे समझ में आएगा कि एक्स हैकर नहीं है, एक्स जेन्युइन यूजर है। तो ऐसे सिचुएशन में बेसिकली होता क्या है कि व्हेनेवर अ डिवाइस अटेम्प्ट टू गेट एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ अनदर डिवाइस ऑन द ग्रिड, तो जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी की तरह काम करता है। वो दोनों पार्टिसिपेटिंग मशीन्स को क्या करता है, यूजर को क्या करता है, सर्टिफिकेट इशू करता है। तो अगर एक्स जो है वो वाई के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है दोनों को सर्टिफिकेट इशू करता है, जिस सर्टिफिकेट के आधार पर दोनों एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं। सो ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजर के प्रोसेस के लिए वी हैव द सर्टिफिकेट अथॉरिटी, और वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी की तरह कौन काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, और एडमिनिस्ट्रेटर ही यूजर्स को सर्टिफिकेट इशू करता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ ये यूजर जेन्युइन यूजर है, कोई हैकर नहीं है, राइट। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी इसीलिए किसको कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर को कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रिड।
ठीक है, आ जाओ लिखना नोट। थ्योरी रेफर टू 18, पेज नंबर 218, ठीक है 218 नोट कर दीजिएगा। चले आओ ग्रिड कंप्यूटिंग पे, इट्स वेरी सिंपल, है ना। देखना ग्रिड कंप्यूटिंग, तो बेसिक आइडिया क्या है, आप क्या कहते हैं? ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, सर्टेनली इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच ईच कंप्यूटर रिसोर्सेज आर शेयर्ड विद एवरी अदर कंप्यूटर इन द सिस्टम। हमने कहा था कि किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स, किसी भी कंप्यूटर का रिसोर्स हर एक कंप्यूटर के लिए अवेलेबल होगा, तो ईच कंप्यूटर में एक्सेस रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंप्यूटर ऑन द ग्रिड। रिसोर्सेज क्या क्या है? तो हमने कहा सर बैंडविड्थ है, रिसोर्स है कंप्यूटेशनल पावर, रिसोर्स है स्टोरेज, रिसोर्स है सॉफ्टवेयर, रिसोर्स है अदर इक्विपमेंट्स। जो जहां तक डोनेट करने का सवाल आया था, तो जो भी रिसोर्सेज हमने डोनेट किए हैं वो रिसोर्सेज दूसरे मशीन के लिए भी एक्सेसिबल होंगे। ग्रिड का मेंबर बनने के लिए हर एक मशीन को रिसोर्सेज क्या करना होगा? डोनेट करना होगा, और जो रिसोर्सेज उन्होंने डोनेट किया है वो रिसोर्सेज दूसरे मशीन के लिए अवेलेबल होंगे, राइट। फर्दर वी से इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। हमने कहा था इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। So it is a distributed architecture of large number of computers connected to solve a complex problem. In the grid computing model, server or personal computers run independent tasks and are loosely linked by the internet or low speed networks. तो जो सर्वर हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो सब अपने अपने इंडिपेंडेंट टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, एंड एक लो स्पीड नेटवर्क से ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद each other. It is a, हम कहते हैं it is a special kind of distributed computing. It is a special kind of distributed computing, right? Every resource is shared, turning a computer network into a powerful supercomputer. So आपका computer network के सारे resources अगर shared होंगे तो जाहिर सी बात है overall जो power है network का वो क्या होगा? बढ़ेगा। एवरी ऑथोराइज कंप्यूटर वुड हैव एक्सेस टू इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज कैपेसिटी। सो हर एक कंप्यूटर के पास क्या है? इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर है। व्हाई इट इज सो? हमने कहा सर पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी है हमारे पास। आप किसी भी डिवाइस के सीपीयू को प्रोसेसिंग पावर को यूज कर सकते हैं, आप किसी भी डिवाइस के स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर के स्टोरेज को यूज किया और आपके लिए 100 कंप्यूटर का स्टोरेज अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है यू आर गेटिंग इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर। बहुत ऑब्वियस है दैट इज द बेनिफिट व्हाट यू कैन गेट इन ग्रिड कंप्यूटिंग, है ना। ये फायदे हैं ग्रिड कंप्यूटिंग में जो आप ग्रिड कंप्यूटिंग में देख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ वाला क्या बोल रहे हो आप? आप कह रहे हैं कि अगर हम ग्रिड की बात करें, है ना, हम अगर हमने क्या कहा, अगर हम ग्रिड की बात करें तो हर एक कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर मिल रहा है हर एक कंप्यूटर को, और ये पूरा नेटवर्क क्या करता है, एक आप कह सकते हैं, हमने कहा कि सर ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करना शुरू कर देता है। कैसा नेटवर्क कनेक्शन है? तो आप कहते हैं सर यूजुअली स्लो कनेक्शन नेटवर्क होता है हमारे पास। इंटरनेट के थ्रू भी डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। स्लो कनेक्शन नेटवर्क की बात कर लो या आप इंटरनेट की बात कर लो, है ना, या आप इंटरनेट की बात कर लो, तो नेटवर्क के थ्रू ये सारे डिवाइसेज आपस में क्या है, कनेक्टेड है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। पहले देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड। सबसे पहला बेनिफिट देखिए, मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस। बताओ कोई भी रिसोर्स अंडर यूटिलाइज रहेगा क्या? रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? तो हमने कहा था क्यों कि सर दूसरा उसको यूज कर लेगा। हमने कहा कि आईटी का सर एक सिंपल सा रूल है, और वो रूल ये है कि कोई भी कंपनी अपने सारे रिसोर्सेस का 100% यूटिलाइजेशन कभी नहीं करती, कभी नहीं करती, कभी भी एक्सेप्शन के लिए भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब वो अपने सारे रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन करे। तो क्यों ना वो रिसोर्सेज दूसरों के साथ शेयर किया जाए, दैट इज द बेसिक आइडिया। आप क्या कहते हैं? मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। आप कहते हैं इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस
There are large amount of underutilized computing resources. ज्यादातर organization में बहुत सारा amount होता है underutilized resources का, even the server machines. सारे के सारे server machines भी पूरी तरह से fully utilized नहीं होते. Grid क्या करता है? Grid provide you a framework. ये आपको एक framework provide करता है for exploiting these underutilized resources and thus has the possibility of substantially increasing efficiency of resource users. So efficiency of resource users is going to what? Increase. Because grid आपको ये facility देता है कि ये जो underutilized resources हैं, आप इसको क्या कर सको? Use कर सको. क्या कहते हैं? किसी भी कंपनी के सारे रिसोर्सेस कभी भी हमेशा फुल्ली यूटिलाइज नहीं होते. बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे रहते हैं जो आइडल पड़े रहते हैं, जिसका यूज नहीं होता. तो ग्रिड में अगर हम उसको लेके आते हैं तो हमें ये कैपेबिलिटी मिलेगी कि हम उन रिसोर्सेज को क्या कर सकें, दूसरों के साथ शेयर कर सके, यूज कर सके. इसको कहते हैं मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज. सेकेंड आना रिसोर्स बैलेंसिंग. क्या था रिसोर्स बैलेंसिंग? हमने कहा था कि सर जिसका रिसोर्स खाली है उसको हम अपना जॉब भेज देंगे, तो रिसोर्स बैलेंस हो जाता है. रिसोर्स बैलेंसिंग का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि फॉर एप्लीकेशंस दैट आर ग्रिड एनेबल्ड द ग्रिड कैन ऑफर अ रिसोर्स बैलेंसिंग इफेक्ट बाय शेड्यूलिंग ग्रिड जॉब ऑन मशीन विद लो यूटिलाइजेशन. जिस मशीन का कम यूटिलाइजेशन हो रहा है उस पर क्या होगा, ग्रिड जॉब को आसानी से शेड्यूल किया जा सकता है. तो आपने कहा कि मेरा रिसोर्स फ्री नहीं है तो मैंने किसी और कंप्यूटर पे क्या किया, अपने जॉब को शेड्यूल कर दिया. सो दैट कैन बी डन, शेड्यूलिंग ग्रिड जॉब ऑन मशीन मशीन्स विद लो यूटिलाइजेशन. जिसका यूटिलाइजेशन कम है वहां से हम जॉब को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो इसको क्या कह लिया, रिसोर्स बैलेंसिंग. थर्ड क्या है हमारे पास, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी. हमने क्या कहा था, मल्टीपल सीपीयू को कैपेसिटी को वी कैन यूज इन पैरेलल. The potential for uses of massive parallel CPU capacity is one of the most important or attractive feature of what? Grid. क्या कहते हैं? Massive parallel CPU capacity. A CPU intensive grid application. अगर CPU intensive grid application है तो आप क्या कहते हैं, can be thought of as many smaller sub jobs each executing on a different machine in the grid. मैंने आपको क्या बताया था अभी कि parallel CPU capacity में क्या होगा कि जो CPU इंटेंसिव ग्रिड एप्लीकेशन है उसके सब जॉब्स क्या किए जा सकते हैं, मल्टीपल मशीन्स पे चलाए जा सकते हैं. तो एक एलिमेंट यहां चला, एक यहां चला, एक यहां चला, एक यहां चला, तो चार सब जॉब थे. तो चार सब जॉब क्या हो रहा है, चार मशीन पे चल रहा है क्योंकि आप जॉब भेज सकते हो ना. ग्रिड इंटेंसिव एप्लीकेशन है, चार जॉब आपको चलाना है, चार मशीन पे आपने चार जॉब शेड्यूल कर दिया तो चारों मशीन का सीपीयू क्या हो रहा है, एक साथ यूज हो रहा है. इसको आप कहते हैं पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी. राइट. नंबर फोर, virtual resources and virtual organizations for collaboration. So that can be done, of course, yes. Grid computing provides an environment for collaboration among wider audience. Collaboration kiya ja sakta hai, aapko grid form karna hoga and they have to join the grid. That is the basic idea. The users of the grid can be organized dynamically into a number of virtual organizations, each with different policy requirements. These virtual organizations can share their resources such as data, specialized devices, software, services, licenses and so on collectively as a larger grid. हमने क्या कहा था कि यूजर को क्या बनना होगा, डोनर बनना होगा, है ना. यूजर को क्या बनना होगा, डोनर बनना होगा और डिफरेंट रिसोर्सेज को यूजर क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है. एंड यूजर कैन बी ऑर्गेनाइज डायनामिकली, यूजर कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू अ नंबर ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस. इसको हम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह इसको अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और हर एक यूजर के लिए डिफरेंट पॉलिसीज भी हो सकती हैं. राइट. इसको क्या दिया आपने, वर्चुअल रिसोर्सेज एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस. एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्स. और क्या था, हमने कहा सिर्फ सीपीयू एंड स्टोरेज नहीं था. तो सिर्फ सीपीयू एंड स्टोरेज नहीं था, सीपीयू एंड स्टोरेज के अलावा हमने कहा था ग्रिड कैन प्रोवाइड एक्सेस टू अदर रिसोर्सेज एज वेल. किसका एग्जाम्पल लिया था हमने, कहा बैंडविड्थ का. हमने कहा सिर्फ सीपीयू और स्टोरेज रिसोर्स नहीं है, एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्स का मतलब है बिसाइड सीपीयू एंड स्टोरेज वी कैन ऑल्सो गेट द एक्सेस टू व्हाट, बैंडविड्थ, जो हमने देखा था. रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी इसलिए है कि बहुत हाई एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हार्डवेयर का यूज किया जाता है. सो हाई एंड कन्वेंशनल कंप्यूटिंग सिस्टम यूज एक्सपेंसिव हार्डवेयर टू इंक्रीज रिलायबिलिटी. ठीक है. डुप्लीकेटेड प्रोसेसर्स होते हैं मशीन में, अगर एक प्रोसेसर फेल हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को यूज कर सकते हैं. इन सच अ वे दैट व्हेन दे फेल वन कैन बी रिप्लेस्ड विदाउट टर्निंग द अदर ऑफ, है ना. पावर सप्लाई एंड कूलिंग सिस्टम भी आपको
आपका लगा होगा, जाहिर सी बात है। पावर सप्लाई एंड कूलिंग सिस्टम क्यों चाहिए, तो आप जानते हैं कि ताकि हम सिस्टम को शट डाउन करने से क्या करें, रोक सके। एंड द लास्ट वन इज द मैनेजमेंट। द गोल टू वर्चुअलाइज द रिसोर्सेज ऑन द ग्रिड एंड मोर यूनिफॉर्मली हैंडल हेट्रोजीनियस सिस्टम क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी टू बेटर मैनेज अ लार्जर मोर डिस्ट्रीब्यूटेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैनेजमेंट का मतलब ग्रिड के रिसोर्सेज को क्या करना, मैनेज करना। कुछ चीजों को याद रखेंगे यहां, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू प्रोजेक्ट फ्यूचर अपग्रेड ट्रेंड्स, मेंटेनेंस इज डन व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दीज आर द एस्पेक्ट व्हिच इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं आप, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम मैनेज करने की बात करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट, राइट। तो टोटल 7 आपके यहाँ बेनिफिट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, रिसोर्सेज हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आसानी से कवर कर सकते हैं। सो दीज आर व्हाट बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, राइट। सो कितने बेनिफिट्स हैं, 7 बेनिफिट हैं एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज। हालांकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ रिसोर्सेज का जिक्र आया है, एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, बेनिफिट में हमने बताया है क्या उसको बताया, बैंडविड्थ, बट बिसाइड्स दैट यू हैव टू स्टडी रिसोर्सेज सेपरेटली एज वेल, है ना। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आप जानते हैं क्या क्या रिसोर्सेज हम शेयर करते हैं, कंप्यूटेशन को शेयर करते हैं, स्टोरेज को शेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसेस की बात कर लो, हमारे पास अदर इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन को शेयर किया जाता है, कम्युनिकेशन मतलब नेटवर्क को, जिसको आप क्या कह रहे थे, बैंडविड्थ को, ठीक है। तो वी हैव टू सी द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बाद हमें एक सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट देखना है, एंड देन इट विल बी ओवर, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विद क्लाउड कंप्यूटिंग। आज हम यहाँ रुकेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास है आपका, नेक्स्ट क्लास में हम पहले रिसोर्सेज को कवर करेंगे, रिसोर्सेज को कवर करने के बाद हम क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट करने के बाद हम क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टार्ट करेंगे। नाउ द आइडिया इज आपको क्या करना है, मैं आपको गिफ्ट के बारे में बता देता हूँ। पहले आप लोगों का पहला गिफ्ट क्या है, जिस डिवाइस से ध्यान से सुनो, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने इस बात को समझा था कि कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास इन द केस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, और यहां से हम क्या करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो रिसोर्स व्हाट यू आर गोइंग टू सी हियर इज द कंप्यूटेशनल पावर। आप जानते हैं कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटेशन हियर मीन्स व्हाट, द सीपीयू, है ना। तो ये सबसे कॉमन रिसोर्स है that a CPU need to be shared. The most common resource is computing cycles, hai na, computing cycles provided by the processors. So computing cycle jo hai ye sabse common resource kehte hain aapko. To pehla resource jo aapka sabse important hai, that is the computing cycle, bole to computation, bole to processor. Aur dusra sabse important resource kya ho jayega, storage. और स्टोरेज के बाद आप बोलोगे एडिशनल रिसोर्स भी होगा, एडिशनल रिसोर्स क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ। तो 3 पॉइंट तो आपके यही बन रहे हैं। तो कंप्यूटेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज द कॉमन रिसोर्स इज द कंप्यूटिंग साइकिल प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेसर ऑफ द मशीन्स ऑन द ग्रिड, वेयर प्रोसेसर्स कैन वेरी इन स्पीड, आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड अदर एसोसिएटेड फैक्टर्स सच एज मेमोरी, स्टोरेज एंड कनेक्टिविटी। सो किस तरह का प्रोसेसर है इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, किस तरह का प्रोसेसर है इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने इस बात को पहले भी समझा था कि प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म या अदर फैक्टर्स जो है उसके साथ एसोसिएटेड, दैट डजंट मैटर, प्रोसेसर विल बी अवेलेबल फॉर एनी अदर मशीन, है ना। तो पहला रिसोर्स क्या है आपका, कंप्यूटेशन, बोले तो कंप्यूटिंग साइकिल। देयर आर 3 प्राइमरी वे टू एक्सप्लॉइट द कंप्यूटेशन रिसोर्सेज ऑफ ग्रिड, 3 तरीका है कंप्यूटेशन रिसोर्सेज को यूज करने का। पहला देखना, to run an existing application on available machine on the grid rather than locally. मतलब क्या है कि हम अपने मशीन पे एप्लीकेशन को रन ना करके हम क्या करें, जो भी अवेलेबल मशीन है ग्रिड पे उस पे रन करें एंड नॉट लोकली। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि सपोज यू हैव टू रन अ प्रोग्राम और आप उसको अपने लोकल कंप्यूटर पे रन ना करके आप उसे क्या करें, ग्रिड कंप्यूटर पे रन करें। टू यूज एन एप्लीकेशन डिजाइन टू स्प्लिट its work, designed to split its works in such a way that the separate parts can execute in parallel on different processor,
इस तरह का अगर आपका प्रोग्राम डिजाइंड है, इसको हमने कहा था ग्रिड एनेबल्ड एप्लीकेशन या ग्रिड बेस्ड एप्लीकेशंस, जिसमें बहुत सारे सब जॉब हैं जिसको स्प्लिट किया जा सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सब जॉब्स को डिफरेंट कंप्यूटर्स पे रन कर सकते हैं, दैट कैन बी डन। और अगर ऐसा करते हैं तो इसको आपने समझा भी था, इसी को आपने कहा था पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, है ना, इसको आपने क्या कहा था, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। तो आप क्या कह रहे हैं, टू यूज एन एप्लीकेशन डिजाइन टू स्प्लिट इट्स वर्क इन सच अ वे दैट द सेपरेट पार्ट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स, राइट। तो दीज आर द वे टू यूज द प्रोसेसर। थर्ड आ जाइए स्टोरेज। स्टोरेज इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन रिसोर्स, इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन रिसोर्स यूज इन ग्रिड फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, डेटा स्टोरेज। A grid providing an integrated view of data storage is sometimes called as data grid, right? So, अब क्या होगा, जैसे आपने parallel CPU देखा था, वैसे ही आप data storage को भी देख सकते हैं कि suppose you have a grid network like this, तो आपने कहा सर यहाँ भी storage है, यहाँ भी storage है, यहाँ भी storage है, और आप जानते हैं किसी भी storage को कोई भी device use कर सकता है, तो so you will get, it is called as what? Data grid. Each machine on the grid usually provide some quantity of storage. हर एक मशीन क्या देगा, कुछ ना कुछ स्टोरेज को डोनेट करेगा फॉर द ग्रिड यूज, इवन इफ टेम्पररी। स्टोरेज कैन बी मेमोरी अटैच टू द प्रोसेसर और इट कैन बी सेकेंडरी स्टोरेज यूजिंग हार्ड डिस्क ड्राइव्स और अदर परमानेंट स्टोरेज मीडिया, सो इट कैन बी एनीथिंग, है ना। हम कहते हैं ये स्टोरेज हो सकता है, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एवरी मशीन विल हैव टू डोनेट सम क्वांटिटी ऑफ स्टोरेज। तो अगर आपने, जब आप सीपीयू को देख रहे थे तो आपने पैरेलल सीपीयू बोल दिया, और जब आप स्टोरेज को देख रहे हैं तो यू आर टॉकिंग इट लाइक व्हाट, डेटा ग्रिड, राइट। तो डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी आपको यहां मिलेंगी। कम्युनिकेशन इज देयर। कम्युनिकेशन क्यों चाहिए, तो जैसे हमने कहा था सर, अगर हम जॉब ही ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे हमने कहा एक यूजर है और ग्रिड के किसी सीपीयू पे चाहता है कि उसका जॉब का प्रोसेसिंग हो, तो यहां से क्या करेगा, ये जॉब ट्रांसफर करेगा। जॉब ट्रांसफर करने का मतलब आप जानते हैं, कोड मूव करेगा फ्रॉम दिस कंप्यूटर टू दिस कंप्यूटर। So of course you need to have what? Communication. आपको communication चाहिए। Communication का मतलब network. Network का मतलब क्या? Bandwidth. किसकी बात कर रहे हैं? हम communication की बात कर रहे हैं। So communication as a resource, of course that should be there. Communication within the grid are important for sending jobs and they require data to the points within the grid. तो जब भी डेटा का मूवमेंट हो रहा है, जो भी जॉब का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, फॉर दैट पर्पस वी नीड टू हैव what? We need to have communication facility. Communication is bandwidth, Shiva, not the computation. Computation is basically your processor. Computation का मतलब हो गया computing से बनाए computation. So computation की बात करें तो processor हो गया वो. Communication की बात करें then we talk about the bandwidth. The bandwidth available for such communication can offer a critical, can often be a critical resource that can limit utilization of the grid. So bandwidth is important here. Redundant communication paths are sometimes needed to better handle potential network failure and excessive data traffic. Redundant communication path ka matlab kya ho gaya? Duplicated communicating communication path. Duplicated kyun use karte hain hum? Duplicated isliye use karte hain ki agar mera ek line fail hua to main dusre line ko istemal kar saku. So that is your communication. Communication kyun chahiye? To aap kehte hain communication within the grid is very important. क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब है जो भी हम जॉब ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, या फिर जो हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। सो बैंडविड्थ, क्या अवेलेबल बैंडविड्थ है, वो स्पीड को डिफाइन करता है। तो बैंडविड्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ग्रिड में। और नेटवर्क क्या होना चाहिए या कम्युनिकेशन पाथ क्या होना चाहिए, डुप्लीकेटेड होना चाहिए, रिडंडेंट होना चाहिए कि अगर हमारा प्राइमरी लाइन फेल करता है तो हम सेकेंडरी लाइन को यूज कर सके। सो दो कम्युनिकेशन लाइन्स होने चाहिए आपके पास। सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसेस। The grid may have software installed that may be too expensive to install in every grid machine. आपको बताया था मैंने कि हम जानते हैं कि softwares are usually what? Too expensive. बहुत महंगा होता है, हर एक मशीन पे आपको इंस्टॉल करना होगा। तो सोल्यूशन क्या निकाला था हमने, याद करो, सोल्यूशन ये था कि सारे मशीन पे इंस्टॉल होगा, बट एट ए टाइम ओनली सर्टेन लाइसेंसेज विल ऑपरेट। सम सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग अरेंजमेंट परमिट दैट द सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल ऑफ द मशीन ऑफ अ ग्रिड बट may limit the number of installation that can be simultaneously used at any given instant. हम कहते हैं इंस्टॉल तो होगा,
बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ही सॉफ्टवेयर्स को क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है. सो दैट इज अ गुड अरेंजमेंट. इससे कॉस्ट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का कम होता है. देन वी हैव सम स्पेशल इक्विपमेंट, कैपेसिटी, आर्किटेक्चर, पॉलिसीज एक्सेट्रा जो ग्रिड से एसोसिएटेड होगा. Platforms on the grid will often have different architectures, operating systems, devices, capacities and equipments. Each of these items represent a different kind of resource that the grid can use as a criteria for assigning job to machine. So idea kya hai ki other special equipment capabilities, architecture and policies will be there as a resource on what grid. To panch resources hain grid pe jo aapko dekhna hai, right? So these are your resources. है ना, पहला रिसोर्स क्या था, कंप्यूटेशन पावर था. फिर आपने बात कर ली किसकी, स्टोरेज की, है ना. स्टोरेज के बाद आप कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन के बाद सॉफ्टवेयर की, एंड सॉफ्टवेयर के बाद अदर इक्विपमेंट्स की. एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, बहुत सारे एप्लीकेशन एरिया इसके हो सकते हैं. देखो एक बात तो आप ग्रिड का मतलब समझ रहे हो. जैसे देखो छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर सिविल इंजीनियर्स, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स सपोज यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट और उन्हें किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करना हो, जैसे हमारे एग्जांपल में दिया हुआ है डिजाइन एग्जीक्यूट एंड एनालाइज शेक टेबल एक्सपेरिमेंट. शेक टेबल एक्सपेरिमेंट बेसिकली अर्थक्वेक से रिलेटेड है. तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाना होता है, तो सिविल इंजीनियर दे कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर इन शेक टेबल एक्सपेरिमेंट बाय फॉर्मिंग द ग्रिड. वो क्या कर सकते हैं, ग्रिड फॉर्म कर सकते हैं. सो पहला एप्लीकेशन तो सिविल इंजीनियर्स के बारे में ध्यान में रखिएगा कि सिविल इंजीनियर्स में कोलैबोरेट टू डू शेक टेबल एक्सपेरिमेंट्स. There is the application of grid. Second, insurance company से लोग claim करते हैं ना, insurance company से claim करते हैं, और जिसके लिए क्या किया जाता है, hospitals के bills लगाए जाते हैं. तो अब हम क्या कह रहे हैं कि insurance company और hospital ये दोनों क्या कर सकते हैं, grid form कर सकते हैं, जहां insurance company mines data from partner hospital for fraud detection. तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ये फ्रॉड को डिटेक्ट करना चाहती है, हॉस्पिटल का कोई बिल लगाता है किसी तरह से, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करता है अमाउंट का, सो दे कैन क्रिएट अ ग्रिड, और जिसके मदद से इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के डेटा को माइन कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है. थर्ड देखना, एन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ऑफलोड एक्सेस लोड टू अ कंप्यूटर कंप्यूट साइकिल प्रोवाइडर. अब हम क्या कह रहे हैं कि दो पार्टीज हैं यहां, एक है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर पे जब एक्सेसिव लोड है तो इसने ग्रिड फॉर्म किया किसके साथ, कंप्यूट साइकिल प्रोवाइडर के साथ, मतलब जो कंप्यूटेशन का पावर प्रोवाइड कर रहा है, और ये अपना लोड क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है. आप जानते हैं ग्रिड में जॉब हम लोकली करें जरूरी नहीं है, हम जॉब को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी मशीन पे ओवर द ग्रिड. तो अगर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर के पे बहुत ज्यादा लोड है तो कंप्यूट सर्विस साइकिल कंप्यूटेशन साइकिल या कंप्यूट साइकिल सर्विस प्रोवाइडर से क्या करेगा, ग्रिड फॉर्म करेगा और अपने लोड को ट्रांसफर करेगा. An enterprise configures internal and external resources to support e-business workload. That may be done. And large-scale science and engineering are done through the interaction of people, heterogeneous computing resources, information system and instrument, all of which are geographically and organizationally dispersed. अब ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो एलियंस को स्टडी करने के लिए लोगों ने ग्रिड फॉर्म करके रखा है, जहां दुनिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसमें कोऑपरेट करते हैं. तो बहुत सारे ऐसे लार्ज स्केल साइंस प्रोजेक्ट होते हैं जिन साइंस प्रोजेक्ट में दुनिया के हर एक कोने से साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं. सो इन दैट केस यू कैन फॉर्म अ ग्रिड. सो लार्ज स्केल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बात करें, है ना, इंटरप्राइज का इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज को कन्फिगर करने की बात करें टू सपोर्ट द बिजनेस लोड, या एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर अपना वर्कलोड डालता है किस पे, कंप्यूट साइकिल प्रोवाइडर पे. इंश्योरेंस कंपनी ग्रिड फॉर्म कर सकता है किसके साथ, हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन पर्पस के लिए, या सिविल इंजीनियर्स ग्रिड फॉर्म करते हैं टू डू सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट लाइक शेक टेबल एक्सपेरिमेंट. तो ये पांच एप्लीकेशन हैं. आप इसको हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि एग्जाम में आ चुका है एक बार. जब भी आएगा आपको क्या करना है, एप्लीकेशन एरियाज को मेंशन कर देना है. अब जरा देखना ग्रिड सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट आपको देखना है, कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी. टू डेवलप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉलोइंग कंस्टेंट्स आर टेकन फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रिड एनवायरमेंट एंड एप्लीकेशन. सो दीज आर बेसिकली द सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स. सो हाउ यू आर गोइंग टू सिक्योर द ग्रिड, ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ आस्पेक्ट है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ आस्पेक्ट है जो आपको देखना है. सबसे पहला आपका सिंगल साइन ऑन. सबसे पहला क्या है, सिंगल साइन ऑन. देखो क्या होता है कि अगर हम ग्रिड के एक्सेस की बात करते हैं, अगर ऐसा होता मान लो कि जब आपने ग्रिड बनाया
जब आपने ग्रिड बनाया, आपका डायग्राम है आपके पास, ये डायग्राम है। अब देखो सिंगल साइन ऑन को देख लीजिए। पहले आप सिंगल साइन ऑन का मतलब क्या है कि मान लो अगर हमने ग्रिड बनाया और ये ग्रिड है मेरा, तो जब भी यूजर को किसी भी तरह के रिसोर्स का एक्सेस चाहिए होगा तो यूजर क्या करेगा, साइन ऑन करेगा। जब यूजर साइन इन करता है तो उस कंडीशन में यूजर को आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा। आईडी पासवर्ड से यूजर क्या होने जा रहा है, ऑथेंटिकेट होने जा रहा है। सो आईडी पासवर्ड से यूजर ऑथेंटिकेट होगा और फिर यूजर को लॉगिन मिल जाएगा। अब जब इसने जॉब सबमिट करना था तो मान लो फिर से अगर ऑथेंटिकेशन मांगा जाए, जॉब सबमिट करते वक्त भी उसको आईडी पासवर्ड देना पड़े, फिर वो अगर किसी दूसरे मशीन दूसरा रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहा है तो उसको फिर से आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़े। तो हम कहते हैं अगर ऐसा हमने किया मल्टीपल टाइम, अगर हम यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, तो इसका परिणाम ये होगा कि एक्सपोजर बढ़ेगा और जाहिर सी बात है क्रेडेंशियल्स के एक्सपोजर के चांसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि हम कहते हैं कि देयर शुड बी सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन का मतलब है कि यूजर एक बार ही साइन ऑन करेगा और जैसे ही उसने साइन इन किया उसके बाद यूजर क्या कर सकता है, रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकता है, रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, रिसोर्सेज को डिस्पोज कर सकता है। सो हर एक स्टेप पे ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस नहीं कंडक्ट होना चाहिए, इसी को आप बेसिकली कह रहे हैं सिंगल साइन ऑन। कितनी बार साइन ऑन की बात कर रहे हैं आप, सिंगल साइन ऑन की बात कर रहे हैं। सो अ यूजर शुड ऑथेंटिकेट वंस दे शुड बी एबल टू एक्वायर रिसोर्सेज, यूज देम एंड रिलीज देम एंड टू कम्युनिकेट इंटरनली विदाउट एनी फर्दर ऑथेंटिकेशन। सो वंस दे हैव साइन इन, उसके बाद फर्दर ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। एक बार यूजर ने क्या किया, लॉग इन कर लिया, उसके बाद यूजर एक्वायर कर सकता है रिसोर्सेस को, यूज कर सकता है, रिलीज कर सकता है रिसोर्सेस को और इंटरनली कम्युनिकेट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल साइन ऑन। क्या बोलोगे, सिंगल साइन ऑन, वन टाइम साइन ऑन एंड देन दे कैन डू देयर जॉब। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स। प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, आप जानते हैं क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आस्पेक्ट्स की, लाइक आईडी पासवर्ड्स, जैसे आपका पासवर्ड है, आपके प्राइवेट कीज हैं। याद करो कीज दो तरह के होते हैं, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। तो यूजर के जो पासवर्ड्स हैं, यूजर के जो कीज हैं, ये क्या होने चाहिए, प्रोटेक्टेड होने चाहिए। सो यूजर पासवर्ड्स, प्राइवेट कीज एक्सेट्रा शुड बी प्रोटेक्टेड, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स। यूजर क्रेडेंशियल्स क्या होने चाहिए, प्रोटेक्टेड होने चाहिए। तो पहला क्या कहा आपने, सिंगल साइन ऑन, दूसरा आपने कहा प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, ऑल ऑफ द यूजर क्रेडेंशियल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तीसरा आ जाओ एक्सपोर्टेबिलिटी। एक्सपोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए आप जॉब को एक्सपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो यूजर अगर जॉब को एक्सपोर्ट कर रहा है अपने मशीन से ग्रिड के किसी मशीन पे, तो वो कोड क्या होना चाहिए, एक्सपोर्टेबल होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा कोड है तो उसको एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि याद करो कनेक्शन कैसा होता है, स्लो कनेक्शन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कोड कैसा होना चाहिए, एक्सपोर्टेबल होना चाहिए, जिसे आसानी से ट्रांसफर किया जा सके फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, इसको कहते हैं एक्सपोर्टेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। द कोड शुड बी एक्सपोर्टेबल, दैट इज दे कैन नॉट यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंक्रिप्शन एट अ टाइम, देयर शुड बी अ मिनिमम कम्युनिकेशन एट अ टाइम। क्या होना चाहिए, मिनिमम कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसे कोड होने चाहिए जिस कोड को आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके। तो सिंगल साइन ऑन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स हो गया, एक्सपोर्टेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट आना इंटरऑपरेबिलिटी, इसको रखते हैं फोर्थ पे, इंटरऑपरेबिलिटी विद लोकल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। देखो आपने अभी अभी समझा था, और जब आप ग्रिड को समझ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ग्रिड की अपनी सिक्योरिटी होती है, ग्रिड की अपनी सिक्योरिटी होती है, जो सिक्योरिटी कौन मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करता है। सो दिस ग्रिड इज प्रोटेक्टेड, नो डाउट। अगर हम इस ग्रिड की बात करें तो ये ग्रिड क्या है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। अब हम कहते हैं कि ठीक है सर, ये ग्रिड प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर ये यूजर का कंप्यूटर है तो यूजर भी अपने कंप्यूटर को क्या करना चाहेगा, प्रोटेक्ट करना चाहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये हम कह रहे हैं कि यहां लोकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, यहां क्या होनी चाहिए, लोकल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका ग्रिड सिक्योरिटी, ये हो गया आपका लोकल सिक्योरिटी। लेकिन अगर क्या हो कि आपका जो लोकल सिक्योरिटी है वो आपको बाकी सारे डिवाइस से क्या कर दे, कट कर दे, इज इट पॉसिबल। जब आप बाउंड्री कंट्रोलर लगाते हैं तो ऐसा तो हो सकता है ना कि आपका जो डिवाइस है वो बाकी डिवाइस से क्या हो जाए, पूरी तरह से कट हो जाए और आपका डिवाइस बाकी डिवाइस के लिए एक्सेसिबल ही ना रहे। हम कहते हैं हाँ ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो हम कहेंगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए लोकल सिक्योरिटी में और ग्रिड सिक्योरिटी में।
देयर शुड बी इंटरऑपरेबिलिटी. लोकल लेवल पे सर्टेनली देयर शुड बी सिक्योरिटी अप्लाइड. ग्रिड की अपनी सिक्योरिटी है, दैट इज फॉर श्योर. लेकिन ये दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटरऑपरेबल होनी चाहिए, ताकि आपका डिवाइस भी ग्रिड के लिए अवेलेबल हो और ग्रिड के डिवाइसेस के लिए ग्रिड के डिवाइसेस भी आपके लिए क्या हो, अवेलेबल हो. इसी को हम बेसिकली कह रहे हैं यहां इंटरऑपरेबिलिटी. देखना, इंटरऑपरेबिलिटी विद लोकल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, एक्सेस टू लोकल रिसोर्सेज शुड हैव लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी एट अ लोकल लेवल. तो आपकी अपनी लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए. डिस्पाइट ऑफ मॉडिफाइंग एवरी लोकल रिसोर्स, देयर इज एन इंटर डोमेन सिक्योरिटी सर्वर फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू लोकल रिसोर्स. ऑल ऑफ द लोकल रिसोर्सेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड By maintaining the interoperability. Interoperability को maintain करते हुए सारे के सारे resource क्या होने चाहिए, protected होने चाहिए. यही हमारा idea है. That is called as exportability and the interoperability. तो चार चीजें हैं आपका, चार primary aspect अभी आपने देखा. सबसे पहला क्या था आपका, single sign on. Second था protection of credentials. Third था आपका exportability. And fourth था आपका interoperability with local security solution. Right? Now see some other aspects as well. Resource management. अगर हम रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ग्रिड रिसोर्सेज आर फ्रॉम डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स दैट हैव देयर ओन लोकल रिसोर्स मैनेजर एंड ग्रिड डज नॉट हैव फुल कंट्रोल ऑन ऑफ दीज रिसोर्सेज. सो व्हाट वी से हियर कि एवरी लोकल डिवाइस, एवरी यूजर इज डोनेटिंग सम रिसोर्सेज. हर एक यूजर क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को डोनेट कर रहा है. तो जाहिर सी बात है एवरी यूजर इज मैनेजिंग देयर ओन रिसोर्सेज. ग्रिड का सारे रिसोर्सेज पे फुल कंट्रोल नहीं होता. आपको मैंने ये भी बताया था कि सम रिसोर्सेज आर व्हाट, केप्ट रिजर्व्ड एज वेल. अगर आप चाह रहे हैं तो कुछ रिसोर्सेज को आप क्या करते हैं, रिजर्व में भी रखते हैं. अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू को यूजर्स, prioritizing local jobs over system jobs and managing these resources without ownership is a big issue. Ab kehte na this is a concern because jo bhi user donate kar raha hai resources ko aur jo user ke resources hai, har ek machine ke resources hai, uska grid, us pe grid ka pura control nahi hota. Locally resource ko manage kiya ja raha hai. तो ऐसे सिचुएशन में ownership clear नहीं है. ownership नहीं होने की वजह से resource management में you are going to face the difficulty. आपको इसमें डिफिकल्टी मिलने वाली है क्योंकि इसमें कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता रिसोर्सेज का. डेटा मैनेजमेंट, द यूजर्स डेटा इंटेंसिव हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस इन द ग्रिड कंप्यूटिंग रिक्वायर द एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ ह्यूज डेटा. प्रोवाइडिंग सिक्योर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूटेड हेटरोजीनियस पूल ऑफ डेटा इज अ बिग इश्यू इन ग्रिड कंप्यूटिंग. व्हाट यू आर सेइंग हियर, ऑफ कोर्स डेटा का फ्लो होगा. हाँ, डेटा का फ्लो होगा जब आप ग्रिड पे जॉब ट्रांसफर करते हैं, जब आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो डेटा का फ्लो होगा. या आप जब डेटा ग्रिड की बात करते हैं, डेटा इंटेंसिव ग्रिड की बात करते हैं, तो वहां भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड. और उस सिचुएशन में सिक्योरिटी मेंटेन करना, ट्रांसपेरेंट एक्सेस मेंटेन करना, अलग अलग यूजर्स के डेटा को मैनेज करना, दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज. तो रिसोर्स को मैनेज करना भी एक चैलेंज होने जा रहा है, डेटा को भी मैनेज करना एक चैलेंज होने जा रहा है. सो रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेटा मैनेजमेंट. सर जब डेटा मैनेजमेंट की बात करोगे तो आप डेटा ग्रिड को रिकॉल करना, राइट? आप किसको रिकॉल कर सकते हैं, डेटा ग्रिड को रिकॉल कर सकते हैं. और जब आप रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कंप्यूटेशन को रिकॉल कर लेना, इजिली कनेक्ट कर सकते हैं आप. Standardization. Grid computing as a highly integrated system involves multi-purpose protocols and interfaces to resolve the issues explained above. Standardizing these protocols and interfaces is a big issue in grid computing. Hana koi standard standardize karna protocols ko interfaces ko kya hai? Thoda sa mushkil hai, hana? So standardization kya hota hai? To aap kehte ho sir lax. That's the problem. And support for secure group communication. In a communication, there are a number of processes which coordinate their activities. This coordination must be secure, and for this, there is no such security policy. So communication is not secured. So, ये भी क्या हो सकता है, challenge हो सकता है. And support for multiple implementation. There should be a security policy which should provide security to multiple sources based on public and private key cryptography. So, cryptography होना चाहिए ताकि क्या हो जाए, security provide किया जा सके. तो आप जानते हैं पब्लिक की एंड प्राइवेट की दो तरह से आप क्रिप्टोग्राफी करते हैं.
इनक्रिप्शन के लिए आपने पढ़ा था इसको, पब्लिक की एंड प्राइवेट की को, राइट। व्हाट आई वुड से यू दैट, देखो जो आपके ये जो चार पॉइंट मैंने आपको बताया ना, सबसे पहला क्या है, सिंगल साइन ऑन, सेकेंड है आपका प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, थर्ड है एक्सपोर्टेबिलिटी, फोर्थ है इंटरऑपरेबिलिटी, एंड फिफ्थ एंड सिक्स में ये रख लो रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेटा मैनेजमेंट। ये छह पॉइंट आपका कम से कम क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। सब पे ध्यान मत देना, है ना, सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट आपका ये सिक्स पॉइंट्स क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट को आंसर करने के लिए, राइट। कितने बोले हमने, सिक्स पॉइंट। सबसे पहला क्या बोलेंगे, सिंगल साइन ऑन, दूसरा क्या कहेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, तीसरे में हम रख सकते हैं एक्सपोर्टेबिलिटी को, चौथे में इंटरऑपरेबिलिटी को, और पांचवे में रिसोर्स मैनेजमेंट, और छठे में डेटा मैनेजमेंट। ये छह सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट को आपको क्या करना है, एटलीस्ट कमांड में रखना है, सब पे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है।